भैया आप कैसे हो? हाँ यहाँ हम सब ठीक हैं। और बच्चे ठीक हैं? तुम किससे बात कर रही हो? मेरे लंदन वाले भैया से बात कर रही हूँ। मेरी तरफ से भी नमस्ते। हाँ, ठीक है। भैया आप कब आ रहे हो? पवित्रा कल तुम्हारा कौन सा एग्जाम है? इंग्लिश डैडी। देखिए बहन जी, आप एक मजिस्ट्रेट के घर पे आके अपने केस की बात मत कीजिए। सर मुझ पे दया कीजिए, आप चाहें तो मेरे पति को बचा सकते हैं। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वेंकटेश्वर ने कोई छोटी सी गलती नहीं की है, कलेक्टर को ही मार दिया। सर मेरे पापा ने उन्हें नहीं मारा। बेगुनाह साबित करने के लिए सबूत चाहिए और सारे सबूतों के आधार पर उन्होंने ही जुर्म किया है। मेरे वकील ने बताया था कि आप बहुत सख्त हैं, दया करके उन्हें फांसी की सजा मत दीजिएगा, अगर वो चले गए तो ये अनाथ हो जाएगा। अगर वो सही में अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचता तो ये जुर्म वो कभी नहीं करता। वॉचमैन इन लोगों को बाहर ले जाओ। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि वेंकटेश्वर ने ही ये जुर्म किया है और इसलिए आईपीसी के धारा 302 के तहत उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। Good morning, sir. This is Mr. Murali Krishna, industrialist. Dr. Pavitra, psychiatrist. Hello. Hello. सारे मुश्किल केसेस में यही पुलिस डिपार्टमेंट की हेल्प करेगी। मैडम जी आप प्लीज हमारे बेटे को ढूंढ लीजिए। मेरे पति को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, इन्हें हर 4 घंटे में दवाई लेनी पड़ती है। क्या हुआ है सर? कल शाम स्कूल से किसी ने इनके बेटे को किडनैप कर लिया। जब वो भाग रहे थे तो स्कूल के वॉचमैन ने अपनी लाठी फेंक कर उन्हें मारा। एक किडनैपर गिर गया, बाद में सड़क पर चलते लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में हमने उस किडनैपर को बहुत टॉर्चर भी किया लेकिन उसने अपने साथियों के बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। नार्को टेस्ट करने के लिए हमें कोर्ट की परमिशन चाहिए। नो नीड सर, वैसे वो पॉलीग्राफ रिपोर्ट्स कहाँ हैं? सर कौन सा ड्रग सिमुलेटर दिया है? कोलिंजीफाइन। ईईजी में कॉग्निटिव रिस्पॉन्स ऑफ ब्रेन कितना है? लेस देन 1400 मिलीसेकंड्स। इस पर लाइट डिटेक्टिव या पॉलीग्राफ टेस्ट दोनों ही काम नहीं करेंगे, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग ट्राई करना होगा। इसे भी रेस्पेरिडोन 0.25 इंजेक्शन दे दो। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। तुमने यह बात ठान ली है ना कि सच नहीं बोलोगे? सही बोल रही हो ना? अगर हम में से कोई पकड़ा जाता है तो कोई पुलिस को सच नहीं बताएगा। मैडम इसके पास से हैदराबाद का मैप भी मिला है। किडनैपिंग के बाद तुम सब कहां छुप के बैठे थे? ए,
हम लोग किडनैपिंग के बाद कहाँ पर रखेंगे? मुंबई नहीं, मीरापुर में एक फार्म हाउस है, वहाँ मेरा फ्रेंड वॉचमैन है, वहीं पर रखेंगे उसे। कोलकाता? ए, वहाँ नहीं भैया, पुलिस को सबसे पहले उसी जगह पर शक होगा। दिल्ली? ए, शहर के बाहर चलते हैं। या शहर के बाहर जाने से अच्छा शहर में रहने का प्लान किया। अगर हम शहर के बाहर चले गए तो कॉन्टेक्ट में कैसे रहेंगे? शहर के किस एरिया में छुपने का प्लान किया था? कोटी, सिकंदराबाद, गोलकुंडा, मीरापुर, बोलारम? ए, बोलारम चर्च के पीछे एक जंगल है, वहां पे एक बिल्डिंग है, वहीं हम छुप सकते हैं। सर, कॉग्निटिव रिस्पॉन्स ऑफ ब्रेन इज 1800 मिलीसेकंड्स। बोलारम इज द प्लेस, आप उसी के आसपास छानबीन कीजिए। इस शहर के फेमस बिजनेसमैन मिस्टर मुरली कृष्ण जी के बेटे को किडनैप करने की रहस्यमय कहानी आखिर में सुलझ गई है। क्रिमिनल साइकेट्रिस्ट पवित्रा की मदद से ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी उपयोग करके सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मासी मासी पापा आ गए। साली साहिबा, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों आ गई? जज साहब बिजी हैं क्या? मैंने दो बार कॉल किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, फिर मैं इरिटेट होकर बॉटल फेंक कर मारा। अब तुम मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो। कीर्ति से ही पूछ लो। बेटी कीर्ति, मुन्नी, मौलिका, आओ चलो घर चलते हैं। मासी, मैं नहीं जाऊंगी। कीर्ति तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी, ये जानते हुए भी कोर्ट गए थे? कोर्ट ही नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, जरूरत पड़ी ना तो मैं तुम सबको मार कर भी अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। यार, अगर सच में तुम्हारे दिल में प्यार होता तो दीदी के मरने के दूसरे दिन किसी और से शादी नहीं करते। तुम्हें प्यार है तो सिर्फ दीदी की प्रॉपर्टी से। क्यों, वो चली गई तो प्रॉपर्टी भी जाएगी? बहुत मुश्किल है, इसीलिए तो कोर्ट गया था। ठीक है, फिर कोर्ट में बात करेंगे। देखता हूँ, वहाँ भी देखता हूँ मैं। आखिर इस बेवकूफ को क्या चाहिए? बहन को गुजरे एक साल नहीं हुआ और यह है कि कोर्ट केस और न जाने क्या क्या बोल रहा है। कीर्ति को उसके हवाले कर दो। आपको लगता है वो कीर्ति की देखभाल कर पाएगा? काम वाली बाई बना के रखेगा। आप क्यों फिक्र कर रहे हो, आप इसकी देखभाल करते हो? आपकी जान पहचान थी तो आपने दीदी की शादी उससे करा दी, पर उसके अत्याचार मेरी दीदी सहन नहीं कर पाई। डैडी, क्या हम ये केस जीत पाएंगे? हम जरूर जीतेंगे, चलो हम सब एक बार स्वामी जी के पास जाके उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं गांधी जी का वारिस हूँ, जिसकी ये अच्छाई है कि तुझ जैसे भेड़ियों को अच्छा सबक सिखाता हूँ, जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता है। मैं बहुत ही खतरनाक हूँ, मेरा नाम है गुड्डू। मैंने अभी तेरी दादागिरी देखी, दोबारा इस मोहल्ले में अपनी शक्ल मत दिखाना। पवित्रा को अकेले मत समझना, मैं उसके साथ हूँ। शक्ल से मैं भोला दिखता हूँ लेकिन हो नहीं, मुझे हल्के में मत लेना। मैं बास्केटबॉल तो खेलता हूँ लेकिन धुलाई फुटबॉल की तरह करता हूँ। मैं किसी की भी पहली गलती माफ कर देता हूँ, अब दूसरी गलती हुई तो तीसरी के लिए जिंदा नहीं बचोगे। इस बॉल के अंदर एक ब्लैडर है, वही फट गया तो क्या काम का। इस पवित्र मेंटल हॉस्पिटल से कोई तो है जो भागने की कोशिश कर रहा है। तुम लोगों में से ही मेरा कोई एक खबरी है। वो तुम्हारे साथ ऐसे रहता है जैसे देवानंद सबके दिल में रहता है और तुम सबके प्लान्स को बिना किसी देरी के मुझ तक सीधे पहुंचाता है। वो देवानंद कौन है मुझे पता है। बोलो बोलो, कौन है वो? मैं हूँ। अब तुम खुद को रजनीकांत भी बोलोगे? दिन में दिलीप कुमार, रात में रजनीकांत। क्यों रे,
तू तो ऐसे डर रहा है जैसे कि सब लोगों को तुझ पर ही शक है। नेवर। असली वाले को भगाने के लिए मुझे गलत ट्रैक पर डालने की कोशिश मत करना बच्चू, समझे? क्यों रे सरकार, ये सब लोग जब खड़े हों तब तुझे बैठने के लिए कहा था, कब की तरह है? तुम अकेले में कहीं भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर भाग गए तो भारत सरकार के अलावा तुम्हें और कोई नहीं खिलाएगा पिलाएगा। मैं यहाँ पर कब से हूँ? तुम यहाँ काफी पुराने, बहुत समय से यहाँ रह रहे हो। मुझे यहाँ से बाहर जाना है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है गजनी, प्लानिंग के ठीक 10 मिनट बाद तुम सब कुछ भूल जाओगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पवित्रा। डॉक्टर, मेरा पागलपन कम हो गया बोला तो नहीं मानती हैं। पागलपन कम हो गया, तुम कैसे कह सकते हो? क्योंकि कल तक मैं चीफ मिनिस्टर के भ्रम में था, पर आज नहीं हूँ। तुम सही कह रहे हो सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, कॉल मी संजीव कुमार। शोले का ठाकुर। यस। सर, हमें इन सब के टेस्ट कब करने हैं? परसों करेंगे। छोड़ दो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, छोड़ो। यहाँ आने के बाद हर कोई यही बोलता है कि वो पागल नहीं है, शाम तक सब ठीक हो जाता है, इन्हें शॉक ट्रीटमेंट दे दो। सुंदर भजन श्री कृष्ण का, लगता है साक्षात भगवान छुप कर हमें कहीं से देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। 33 वर्ष की उम्र में 50 मामलों को हाथ में ले, उनमें से 46 जीत कर शहर के मशहूर क्रिमिनल लॉयर यहां उपस्थित श्री कृष्ण जी को हमारे इस आश्रम के ट्रस्ट की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस बात को सुनकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। ये सब कुछ स्वामी जी का आशीर्वाद है। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इनके आशीर्वाद से मुझे एक केस मिला। उस केस के जीतने के बाद मैंने कभी पीछे नहीं देखा। इतने सालों के बाद स्वामी जी ने गुरुदक्षिणा मांगी है। इस ट्रस्ट का सेक्रेटरी होने के नाते मैं जरूर दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। अब मैं चलूं? श्री कृष्णा जी। स्वामी, हमने अपने आश्रम के बिल्डिंग को नहीं तोड़ने की एक पेटीशन डाली थी, उसका क्या हुआ? स्वामी जी, मैं देखता हूं। क्या बात है पवित्रा बेटी, आजकल तुम आश्रम नहीं आ रही, बच्ची के केस का क्या हुआ? जल्दी ही पेशी होने वाली है। अगर आपका आशीर्वाद हो तो। परसों एकादशी है, आश्रम में चंडी पूजा की जाएगी। पवित्रा, तुम दिन में उपवास करके संध्या में आश्रम आना और प्रसाद लेके जाना, तुम केस अवश्य जीतोगे। रूम नंबर 2002 में दे दो।
ये डिजाइन सूटी पे अच्छा लगेगा ना? ये तो 10 लाख के हैं। इस डिजाइन में 5 लाख से कम नहीं होगा। सुनिए जी, आपने मेरे जन्मदिन पर इतनी महंगी गिफ्ट कभी नहीं दी। मेरे पापा से क्यों पूछ रही हो? अपने पापा से पूछो। इसके पापा तुम्हारे पापा से अमीर नहीं है। 4 एकड़ की जमीन से ही उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे पापा के पास तो 4 एकड़ जमीन है ना? इसके पैदा होने से पहले उनके पास तो 4 रुपए भी नहीं थे। हाय बिरजू। हाय सर। तुम्हारा गोवा का ट्रिप कैसा था? एब्सोल्युटली फाइन सर। गुड। ये क्या है? स्वीटी का बर्थडे गिफ्ट सिलेक्शन। हाँ बिरजू। अच्छा है। ऑपरेशन कैसा रहा? सक्सेसफुल। पेशेंट ने प्रॉब्लम तो नहीं किया? नो सर, परफेक्ट कोमा। इसकी दूसरी कॉपी मैंने पेशेंट को भिजवा दी। गेट खोलो, हमें अंदर जाना है। लेकिन क्यों? आपकी अर्जी खारिज कर दी गई है, इसलिए ये आश्रम के पीछे की बिल्डिंग तोड़ने आए हैं। पर अंदर तो पूजा चल रही है, स्वामी जी से एक बार बात कर लीजिए। इसके स्वामी जी तुम्हारे हमारे लिए नहीं है। पर ये सही बात नहीं है, कमिश्नर साहब भी स्वामी जी के भक्त हुआ करते थे। ए, पर अभी नहीं है। सर क्या हुआ, काम शुरू नहीं हुआ क्या? अभी तक तो नहीं सर, अंदर पूजा पाठ चल रही है। क्या वहाँ काम करने गए हो कि भक्ति करने गए हो? कमिश्नर, मैं लॉर्ड श्री कृष्णा। कैसे हो श्री कृष्णा? मैं अच्छा हूँ। आपने नाश्ता किया? काम की बात बताओ। टिफिन बॉक्स के डब्बे के अंदर आपको एक DVD मिलेगी, उसको प्ले करिए। क्या है ये? योगा की कॉपी, बेस्ट क्वालिटी, पायरेटेड कॉपी मेरे पास है। इतना हंगामा क्यों है कृष्णा? स्वामी जी कुछ नहीं, स्वामी जी वो थोड़ा तबीयत के बारे में पूछ रहा है। कमिश्नर, श्री कृष्ण बोल रहा हूँ। ये तुमने अच्छा नहीं किया। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। तो क्या कर लोगे? एक और कॉपी मेरे पास है, आपको पिक्चर अच्छी लगी है तो पब्लिक में रिलीज कर देता हूँ। मैं अपने आदमियों को बुला लेता हूँ। काम की बात करते हैं। तुम्हें शक था कि स्वामी जी की वजह से तुम्हारा प्रमोशन हो गया और तुम उसी वजह से बदला लेना चाह रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो चुपचाप आकर के स्वामी जी के पैर पकड़ लो। ठीक है, वो तुम्हें माफ कर देंगे। कितनी बार बॉल घिसेगा? जल्दी बॉल डाल। जल्दी बॉल डाल, बॉल घिसने से तो कुंबले नहीं बन जाएगा। अब क्या कर रहा है? रुकना, मंत्र पढ़ रहा हूँ, अभी आउट हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया बॉल डालना। इसी तरह बॉल घिसता रहेगा तो तेरी पैंट फट जाएगी। सीधे बॉल नहीं डाल सकता था, बढ़ाया बॉल घिसने वाला। कार का शीशा फूट गया जब बॉल लेकर आने जाऊंगा, जिसने सिक्स मारा वही जाएगा। ये भी सही बोला। ए, वो लड़की है, मैं उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा, तू बॉल लेकर आ। लड़कियों से बात करने के लिए हमने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन की है क्या? जाके बॉल लेके आ। अब क्या सोच रहा है तू? यहाँ के रूल्स तुझको पता है ना? जब बॉल लेकर आ। ये टूटा हुआ शीशा दिखाई नहीं दिया? दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है तो सॉरी बोलना चाहिए ना। सॉरी बोलूं मैं? और वो भी एक लड़की को? जानती हो ये इंग्लिश का सॉरी वर्ड मेरा फेवरेट है, इसलिए कम यूज करता हूँ। क्या कहा? एक तो गलती के ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। मैंने गलती की है? वो बिल्डिंग यहाँ कब से है? वो पेड़ यहाँ कितने सालों से हैं और इस प्लेग्राउंड को कितने साल हो गए, पर तुम्हारी गाड़ी यहाँ फर्स्ट टाइम आई है तो गलती तुम्हारी है ना? जानते हो मैं कौन हूँ? क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ काम करती हूँ। तो तुम पुलिस कंप्लेंट करोगी कि मैंने कांच तोड़ा है तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी क्या? हाँ,
जानती हो मैं कौन हूँ? क्रिमिनल लॉयर असिस्टेंट। कानून के बारे में हम भी थोड़ा जानते हैं। पवित्रा, शीशा टूट गया तो जाने दो, उन लोगों से झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है। अबे, बड़ी तीखी मिर्ची लग रही है, जला देगी यार। काम करने के बजाय आवारा लड़कों के जैसे क्रिकेट खेलोगे तो जिंदगी में तरक्की नहीं करोगे। हेलो, रुकिए, सिर्फ आपने तरक्की की है क्या? हमने भी लाइफ में कुछ बनने का सोचा है। क्या सोचा है? विराट और रोहित के साथ इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना है। इतना बड़ा नहीं सोचा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बनना चाहता हूँ। कलेक्टर? और तुम मजाक कर रहे हो क्या? तो ठीक है, मैं अपने पिताजी को मारने वाले का मर्डर कर दूंगा, वो चलेगा ना? फिक्शन मूवीज देखना जरा कम करो, तभी तरक्की करोगे। अच्छा, तरक्की कैसे करनी है हम अच्छे से जानते हैं। कौन है रे तू? तू यही पूछना चाहता है ना? चल मैं ही पूछ लेता हूँ। मैं उस बड़े भाई का छोटा भाई हूँ जो मर्द और औरतों में भेद नहीं समझता। मैं इस जगह का राजा हूँ और तुझ जैसे सड़क छाप जो लड़कियों को छेड़ते हैं उन्हें सबक सिखाने आया हूँ। सीधी तरह से समझा रहा हूँ, नहीं तो बॉल की तरह हवा निकाल दूंगा। समझ गया ना तू? नहीं तो बॉल की तरह। अच्छा, वो लड़की मेरी आंखों की रोशनी है, अगर उसे परेशान किया तो तुझे कुचल दूंगा। वो तो तुम्हें देखकर ही पता चला। एक बात सुन ले, मैं हर किसी को पहली बार माफ करता हूँ बस। और दोबारा किया तो? तीसरी गलती करने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। संभल के रहना, चलता हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? तो ज्यादा मत सुनो। कौन था यार ये बेचारा? उस लड़की का आशिक है। आ गए आप सब लोग, इस तरफ घूम के बैठो। सुरेश कुमार? सुरेश कुमार नहीं, कॉल मी सद्दाम हुसैन। ओह, ओके सद्दाम हुसैन, टर्न दिस साइड। आप लेट कैसे हो गए? आपको पता नहीं आज चालबाज फिल्म रिलीज हो रही है और आज हमें देखने जाना है? चालबाज तो 25 साल पहले रिलीज हुई थी। वो मुझे पता है, ये चालबाज पार्ट 2 है। ओहो, ये बात है। हाँ, बिल्कुल। अब ये बताओ ये क्या है? तुम जानते हो क्या? मैं जानता हूँ। तो फिर पूछा क्यों, कंफ्यूज कर रहे हो क्या? वो सब पागल है। मैं आपको नहीं, इसे बोल रहा हूँ। आपके स्कूल के क्वेश्चंस पूछना बंद करिए। बच्चा यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ रहेगा। क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। लीक हो गया? ठीक है, इस दरवाजे से जो भागने की कोशिश करेगा समझ लो वो ठीक हो गया, और जो इस दरवाजे से भाग जाएगा वो अपने घर जाकर रह सकता है, ठीक है ना? अभी भी पागल है सर। अब तो नहीं लगता कि ये लोग कभी बाहर जा पाएंगे यहाँ से। सबके सब पागल है। ये वहाँ क्यों है? कहीं ये गलती से ठीक तो नहीं हो गया? क्यों पागल बच्चे, सब लोग वहाँ बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हें नहीं भागना है? डॉक्टर, वहाँ सब पागल है, मैं बहुत चालाक हूँ, क्योंकि चाबी तो मेरे पास है, तो सब कैसे जाएंगे? पेपर लीक होने का मतलब ये है। वो लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? परेशान मत हो, तेरी सपनों की रानी खिड़की पर जल्दी आ जाएगी, बस तू दूरबीन के साथ चिपका रहे। दूरबीन से कब तक देखता रहूंगा? सच कहूं, मैं तो इतनी देर कभी नहीं देख सकता, लेकिन देखता रहूंगा, देखूंगा। फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ऑफिस से उसने फोन करके मुझे बताया कि वो आश्रम जा रही है। क्या वहां से कहीं और जाने वाली है? कम से कम मुझे तो बताती। पापा, बेफिजूल में परेशान हो रहे हो, वो कोई बच्ची तो है नहीं। लेकिन वो लड़की है। चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सुबह से उपवास करके बैठी थी, आश्रम में इसको चक्कर आ गया और गिर पड़ी। स्वामी जी ने मुझे इसको घर छोड़ने के लिए बोला है। थैंक यू वेरी मच, अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, रात हो गई है, फिर कभी आएंगे। कहाँ चली गई थी तुम? जानती हो तुम्हारी वजह से पापा कितने परेशान हो रहे थे, और अपना फोन क्यों स्विच ऑफ करके रखा था? फोन की बैटरी डेड हो गई थी। बेटी, पहले कुछ खा लो फिर सो जाओ, तुम्हारा उपवास था ना। डैडी, बिल्कुल भूख नहीं है,
सुबह उठ के खा लूंगी। अब तो वो सो गई है, अब आप ही जाकर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। चलो चलते हैं। चलो यस सर। We found drugs. कौन है आप? एसीपी क्राइम ब्रांच। यहाँ किस लिए आना हुआ? हम आपको अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट करने? किस जुर्म में? ये बीएफसीटी किसकी है? ये नकली करेंसी भी है और ये ड्रग्स हैं। स्वामी जी के पास इन सब का क्या काम है? मुझे तो ये सब मोह माया लग रही है। क्या सर? आप स्वामी जी को क्या समझ रहे हैं? वो भगवत स्वरूप है। भगवत स्वरूप के पास ये बीएफसीडी क्या कर रही है? इसके बाद भी आप इन पर विश्वास करते हैं? जाइए। एसीपी साहब, आप जिस हेतु आए हैं अपना कार्य पूरा कीजिए। चिदानंद के आश्रम से पुलिस ने छानबीन करने के बाद ब्लू फिल्म्स, ड्रग्स, फेक करेंसी और कई कीमती मेटल स्टैचू बरामद किए गए हैं और इसी कारण से पुलिस ने स्वामी जी को अरेस्ट करके अपने कस्टडी में ले लिया है। गुड, जैसा मैंने कहा था वैसा ही तुमने वो किया। सब तो ठीक है सर, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या है? जब हम स्वामी जी के आश्रम में गए और वहाँ के कमरे में बीएफसीडीज, ड्रग्स और फेक करेंसीज रखकर बाहर आ रहे थे, तभी उस आश्रम के एक लड़के ने हम दोनों को देख लिया और चोर चोर करके चिल्लाने लगा। यो बोल्स, फिर तुम लोग पकड़े गए? हम पकड़े नहीं गए, वो जैसे ही चिल्लाया हम वहीं छुप गए सर। बाहर आने के बाद पुलिस को कॉल करने का टाइम भी नहीं मिला सर। हमारे कॉल करने से पहले पुलिस वहाँ कैसे पहुँच गई समझ नहीं आया सर। पुलिस ने आश्रम में आके स्वामी जी को अरेस्ट कर लिया और हम दोनों वहाँ से भाग निकले। तुम दोनों उस लड़के को पहचानते हो? नहीं सर। वो तुम्हें दोबारा देखेगा तो पहचान जाएगा? पता नहीं सर। कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चले जाओ। ओके सर। आपकी ये हालत मुझसे अब देखी नहीं जा रही। परेशान मत हो बेटा, भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म तो इसी कारागार में हुआ था। असलियत में हुआ क्या था? जो हुआ वो बताने जैसा नहीं है, यूं समझो हुआ ही नहीं। रात्रि में चंडी पूजा के पश्चात मैं अल्पाहार करके बागीचे में टहल रहा था, उसी समय बिजली चली गई। किसी ने चोर चोर की आवाज लगाई, मुझे कुछ विचित्र सा लगा। फिर थोड़ी देर में बिजली आ गई। मैंने देखा कि मेरे आसपास लोग खड़े थे। कहाँ है चोर? वो आपके कमरे में ही आया था। पर मैं तो बागीचे में टहल रहा था। असल में वो चोर जो भी है वो आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन। दोनों पक्षों के बयानों को सुनने के बाद कोर्ट ने ये फैसला किया है कि बच्ची की कस्टडी उसके पापा को मिले। बच्ची के पापा के खिलाफ पवित्रा ने जो कंप्लेंट की है वो झूठी साबित हो चुकी है। बेटी की परवरिश के लिए मिस्टर राधा कृष्णा ने ना चाहते हुए भी दूसरी शादी की। अब इस कोर्ट का यही फैसला है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उनकी बेटी सौंप दी जाए। कोर्ट अपोनेंट को यह ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी राधा कृष्ण की बेटी उनको सौंप दी जाए। यही कोर्ट का आखिरी फैसला है। क्या हुआ साली साहिबा? मेरे पिताजी रिटायर्ड जज हैं, मैं एक क्रिमिनल साइकियाट्रिस्ट हूँ, केस तो मैं ही जीतूंगी। अब क्या हुआ, जीत गई ना?
मुझे मेरी बेटी से प्यार नहीं है ना, मुझे तो वो प्रॉपर्टी चाहिए ना। लेकिन कोर्ट ने क्या कहा? हाँ ठीक है, मैं आज बहुत हैप्पी मूड में हूँ, शाम को एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम पार्टी में आओगी ना? ज्यादा खुश मत हो, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से मुझसे कीर्ति को छीन लोगे? नहीं तो क्या, तुम मुझे मार डालोगी? जरूरत पड़ी तो वो भी करूंगी। उसका क्या फायदा होगा, तुम जेल चली जाओगी और वो अकेली हो जाएगी। दीदी ने मरने से पहले मुझसे एक वचन लिया था और उसे मैं नहीं तोड़ूंगी। ये सेंटिमेंटल बातें बंद करो, ये सब बातें सीरियल्स में अच्छी लगती हैं। चुपचाप घर जाओ और खाकर सो जाओ। तू क्या देख रहा है बे? कुछ नहीं भाई। चल। गणेश महाराज की जय। गणेश महाराज की जय। बहुत चंदा। कीर्ति, मैं दादाजी की दवाइयां लेने जा रही हूँ, तुम गाड़ी में बैठे रहना। मैडम चंदा। तुम यहाँ? पहचान लिया? आसानी से नहीं भूलूंगी। थैंक्स, पर चंदा नहीं दोगी क्या? चंदा? वो किस लिए? हाँ, बस्ती में गणेश भगवान की पूजा है इसलिए। ओहो, दारू पीने के लिए भगवान के नाम पे चंदा ले रहे हो? चंदा देना है तो दे, नहीं तो चुपचाप। क्यों चुप रहूं मैं? मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा फिर भी मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की, तुम पर दया करके तुम्हें छोड़ दिया। तूने मुझे छोड़ दिया? तू मेरे घर का पता पूछती तो वो भी बता देता। अभी भी कांच फूटा हुआ है, लगता है मैडम गाड़ी मेंटेन कर रही हैं। बेचारी, शायद पैसे नहीं होंगे, है ना? ए, आज हम चंदा लेके मैडम की कार का कांच भी बदल देंगे, क्यों चलेगा ना? चंदा देना है। इस बदतमीजी का जवाब मैं तुम्हें थप्पड़ मार के भी दे सकती थी। माइंड इट। मैडम आपने बहुत गलत किया है, गणेश भगवान का अपमान किया आपने, इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम जैसा बोल रहे वैसा कुछ नहीं होगा, अपने काम से काम रखो। मुझे पता है तू कौन है, कुछ बोल मत। और एक बात तू नहीं जानता, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट हूँ। मेरी भी ब्लैक बेल्ट है। मैंने कुछ देर पहले ही पत्थर से अपने सिर को फोड़ा है और कल मैंने पत्थर से किसी का सर फोड़ा। बढ़िया बढ़िया, तुम्हें अगर चंदा चाहिए तो मुझसे ले लो, पर वो लड़की मेरी जान है, उसे परेशान मत करो। तुम्हें मैंने दो दिन पहले बॉल दी थी ना, इसमें हवा नहीं भरी क्या? ज्यादा बोल मत नहीं तो तेरी हवा निकाल दूंगा। स्वामी जी ने कहा था हम ही जीतेंगे, है ना डैडी? अगर हम जीत गए होते तो वो सुप्रीम कोर्ट चला गया होता, और अगर हम हार जाते तो कीर्ति को हमेशा के लिए उसे देना पड़ता। सुप्रीम कोर्ट में जरूर जीतेंगे बेटा, स्वामी जी के कहने का मतलब यही है। एक बात तो मुझे समझ में आ गई डैडी। कौन सी बात बेटी? कीर्ति के लिए कुछ तो करना होगा। सुशीला, सुशीला, पापा की तबीयत कैसी है? अच्छी है। बुखार कम हुआ या नहीं? अभी दवाई खा के सो गए हैं। पवित्रा क्या कर रही है? पवित्रा अंदर है। हम कोर्ट में केस हार गए ना, जीजा जी फोन करके मजाक उड़ा रहे थे। अब फिर से शुरू हो गए? कोर्ट में केस जीत कर आया हूँ ना, सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, ज्यादा मत पीना वरना पार्टी एंजॉय नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक ऑमलेट बना दो ना। मैं बिजी हूँ, नहा के अच्छे से तैयार होना पड़ेगा, तुम बना लो ना। ठीक है, मुझे ही बनाना पड़ेगा। रिचा, कौन बेल बजा रहा है? देखो
रिचा कौन है? कोई नहीं है। वो दया होगा, ऐसी हरकतें करते रहता है। दया? दया? वो ही आके परेशान करता है, और कौन करेगा? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। वो दया आ गया क्या? क्या रिचा? 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 अरे भैया थोड़ा पानी पिलाओ ना। ये देखिए, कभी बाथरूम में ट्राई किया है क्या भाई? अरे चैस ट्राई तो किया था पर वो गीले हो गए। वाटर प्रूफ कर दो। ठीक है, जब मैनेजर आ जाए तो मुझे फोन करना। पवित्रा हाँ, कल रात को तुमने छुरी ली थी ना, कहाँ रखी? कल रात को तो छुरी मैंने यही रखी थी। ए, तुमने छुरी देखी क्या? वही छुरी जिससे आप सब्जी और फल काटते हो? हाँ, वही वाली। वही छुरी जो आप चाइना बाजार से लाए थे? हाँ, हाँ, वही वाली। आंटी जिससे प्याज काटती है वही छुरी? हाँ बाबा वही। जब मेरे पापा झगड़ा करते हैं और जिस छुरी से धमकाते हैं वही छुरी? हाँ वही 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 वाली। अगर वो वही छुरी है तो मैंने देखी नहीं। फिर क्यों इतना बोल रही थी? पवित्रा छुरी मिली क्या? खाना बनाना है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। वो छुरी तो नहीं दिख रही भाभी, ऑफिस से आते वक्त मैं दूसरी लेती आऊंगी। आपको लगता है मैंने उन्हें मारा है? ये कत्ल तुम्ही ने किया है, राधा कृष्ण की सेकंड वाइफ ने कंप्लेंट की है। मुझे इससे क्या फायदा होगा? क्योंकि तुम कोर्ट में केस हार गई हो। पर मैं सुप्रीम कोर्ट में जाके लड़ने वाली थी। मैं जब तक तुमसे पूछताछ न कर लूं तब तक मैं किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकता पवित्रा। तो फिर आप मुझे अरेस्ट कीजिए और कोर्ट में पेश कीजिए, मैं बेल के लिए अप्लाई करूंगी। नो नो नो, जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तुम्हारे जीजा जी बुरे चरित्र वाले थे, ये खोजबीन के दौरान पता चला। यस, वेरी बैड। दारू पीने की आदत थी। कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन उन्होंने पी हुई थी तो उन्होंने किसी को मार देने की धमकी दी थी। उनकी दादागिरी से परेशान होकर किसी ने उन्हें मार दिया होगा सर। उसे हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं, कोशिश जारी है। जरूरत हुई तो तुम्हें फिर बुलाएंगे। या अगर कुछ पता चले तो हमें जरूर इन्फॉर्म करना। ओके सर। हेलो हेलो, हेलो हेलो। भाभी हाँ? अंधेरा क्यों है, लाइट गई है क्या? हाँ पवित्रा। ओह नो, मोबाइल चार्ज करना था। फिर से फोन आया। फोन तो करता है लेकिन बात नहीं करता। हेलो हेलो हेलो, पागल कहीं का, मुझे किताब भी नहीं पढ़ने दे रहा है। भाभी आज कीर्ति को स्कूल मत भेजना। ठीक है। किसका बार बार फोन आ रहा है डैडी, कौन है? प,
पता नहीं बेटी, फोन करके बात नहीं कर रहा। और बुआ ने क्या कहा? उन्होंने तो हमारी बेइज्जती की। उन्होंने कहा कि तुम ही ने कीर्ति के पापा को मार दिया है। उन्हें जो भी बोलना है बोलने दो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या ठीक हो जाएगा, सब कुछ हमारे ही तो गले पड़ रहा है ना। एक मिनट डैडी, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो पवित्रा, मैंने तुम्हारे कहने पे तुम्हारे जीजा जी को मार दिया। अब कीर्ति तुम्हारे साथ रहेगी, पुलिस शायद तुम पे शक करे, इसलिए ध्यान से रहना तुम, ठीक है? मैं जल्दी ही तुम्हें कॉल बैक करूंगा। फोन पे कौन था बेटी? ICICI बैंक से क्रेडिट कार्ड के लिए कॉल था। हेलो, टेलीफोन इंक्वायरी। हाय। हाय सर। आर यू श्योर? श्योर सर, इट्स ट्रू। फोन पे बात करके मैं तो दंग रह गई। प्लीज या एक बार और सोच लो, हम राजभवन के अंदर जा रहे हैं। नो डाउट सर, इट्स कंफर्म्ड। आई एम सुरेंद्र, ACP क्राइम ब्रांच। आई एम गोविंद, सिक्योरिटी चीफ। एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट करते समय हमें एक क्लू मिला है। नंबर क्या था? 234-1578। इस नंबर से हमें कॉल आया था। इंक्वायरी करने पर हमें पता चला ये नंबर राजभवन का है। If you don't mind, आप बता सकते हैं ये नंबर कौन यूज करता है? ये कॉल कब आया था? आधे घंटे पहले। आधे घंटे पहले? No chance। पिछले दो घंटे से फोन काम नहीं कर रहा है। हमने कंप्लेन भी की है। फोन काम नहीं कर रहा है? Thank you। I think something is wrong। तुमने क्रॉस चेक किया था ना? Yes sir। हाँ बोलना, क्या हुआ? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ए, तुमने मेरे बुक में क्यों लिखा? मैंने ये नहीं लिखा। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। मेरे बुक पे कुछ भी लिखा तो मैं टीचर को कंप्लेंट करूंगी, बोल देती हूँ। क्या बात है स्वामी जी, आप चुप क्यों हैं? सोच रहा हूँ मुझे और कितनी बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। हमें बेल मिल गई है और बहुत जल्द क्लीन चिट भी मिल जाएगी। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। देखते हैं बेटा, सब कुछ कर्म और भाग्य के अनुसार ही होता है। स्वामी जी, ये बिरजू है, मेरा असिस्टेंट। स्वामी जी को प्रणाम करो। कमिश्नर का वीडियो शूट जो गोवा में हुआ था ना, वो इसी ने किया था। संध्या काल में एक बार आश्रम आ जाना। मुझे आश्रम और मंदिर पसंद नहीं। तुम्हारे लिए वो आश्रम है, परंतु मेरे लिए वो घर है बेटा। स्वामी जी ने जितना कहा ना, उतना ही करो, जाओ। ओके। रवि पकड़ा गया क्या? नहीं स्वामी जी। रवि के कैमरा लेके भाग जाने के बाद मैं बहुत सतर्क हो गया हूँ। पुलिस ने आश्रम में छापा मारकर वो ड्रग्स कैसे बरामद किए मेरी समझ में नहीं आ रहा। रवि को पकड़ना ही होगा। आजकल दारू की क्वालिटी खराब हो गई है। सही कहा भैया, पहले तो दो पैसे चढ़ जाती थी, अब तो चढ़ती नहीं है। बिल्कुल सही, मिलावट का जमाना है भाई। दारू घर पे नहीं पी सकते हैं, इसलिए यहाँ आके पीते हैं। अच्छा, आपकी बेटी का रिश्ता आया था ना, बात कहाँ तक पहुँची? क्या रिश्ता देखे, आजकल की जनरेशन खराब हो गई है। आज तक न जाने में कितने। ये बुड्ढा कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। अरे वो अपने बारे में नहीं बोल रहा है भाई, वो नौजवानों के बारे में बोल रहा है। तो हम कौन है? अरे अरे सुनना भाई, क्यों झगड़ा कर रहा है? अरे जाने देना यार। ये अगर ऐसे ही बोलता रहेगा तो हमारी शादी कभी होगी? वो नौजवानों के बारे में बात कर रहे हैं, तू चुप रहे यार। तो हम कौन है? हम नौजवान नहीं है। हाँ? लेकिन आजकल के नौजवानों को देख लो, जरा भी। अच्छा अंकल, आपका नाम क्या है? सुब्रमण्यम। क्यों? सी मिस्टर सुब्बू, अगर आपके ससुर जी ये सोचते कि सारे नौजवान खराब होते हैं,
तो आपकी शादी होती। वो तो सही है, अगर सही फैसला लिए होते तो शायद नहीं हाँ। करते। तो आप क्यों नौजवानों के बारे में गलत बोल रहे हैं? ये तो गलत है ना। पवित्रा, मैंने पार्क में तुम्हारा काफी देर तक इंतजार किया पर तुम नहीं आई। मैंने तुम्हें कीर्ति की बुक में लिखकर लाने के लिए कहा था, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? मैंने वो बुक नहीं देखी। तुमने मुझे अपने जीजा जी को मारने के लिए जो छुरी दी थी ना, वही तुम्हें लौटाने के लिए उस पार्क में इंतजार कर रहा था तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम नहीं आई। मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं आ सकते, जानते हो ना पुलिस की नजरें हम ही पर है। अगर पुलिस ने मुझे छुरी के साथ पकड़ लिया तो हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ वो छुरी तुम्हें देने के लिए। अभी तुम कहाँ हो? बाहर गार्डन में। पवित्रा बेटी, किससे बात कर रही हो? बाद में बताती हूँ डैडी, जरा फोन चेक कीजिए। फोन पे तो नंबर भी नहीं आ रहा है, लगता है फोन डेड है। हेलो पवित्रा। सर, हमें जिसकी तलाश है वो मेरे घर पर है। वो तुम्हारे घर पर है? यस सर, प्लीज जल्दी आइए। ओके, ध्यान रखना वो भाग न जाए। एसीपी सर के आने से पहले पुलिस पेट्रोलिंग जीप आ गई और वो भाग गया। ओह नो। एक बात बता भाई। हाँ भाई। पुलिस उस लड़की के घर पे क्यों आई है? क्या भाई, रात के 1 बज रहे हैं, इतनी रात को तो मजनू भी सो जाते हैं और आपको क्या अभी तक लगे हुए हो? सच्चे प्यार करने वाले सोते नहीं है। सर, तुमने उसे कहाँ देखा था? उस पेड़ के पास। इधर? हाँ सर। उसने तुम्हारे लैंडलाइन फोन का वायर कट किया और इससे अपना फोन जोड़कर बात की। वहां राजभवन में भी उसने सेम ट्रिक यूज किया और हमें कंफ्यूज कर दिया। वैसे तुम उसे पहचान सकती हो? मुश्किल है सर, अंधेरे में चेहरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में एक छुरी थी। छुरी लेकर आया था? वो तुम्हें मारना चाहता था? मुझे छुरी लौटाने के लिए आया था। जिससे कतवा वही छुरी लौटाने आया था? यस सर, वो इसी घर की छुरी है। वो तुम्हारे घर से छुरी कैसे ले सकता? कौन है वो? वो कौन है ये तो मैं नहीं जानती, पर उसकी प्रॉब्लम पता चल गई है। कौन सी प्रॉब्लम? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर? यस सर, ये एक अजीब सी दिमागी बीमारी है। इसके सिम्टम्स किसी भी आदमी या औरत में डेवलप हो सकते हैं। इससे क्या होता है? इस बीमारी में इंसान को अपने ऑपोजिट सेक्स के लिए इच्छाएं जागृत होती हैं, उसके दिमाग में जुनून सवार हो जाता है, और अगर उस इंसान के अंदर कोई भी मानसिक या शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो अपनी ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेता है और उसके लिए कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हो जाता है। तो फिर वो डेंजरस है? यस, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो आदमी मुझे फॉलो करता है, उसे मेरे और जीजा जी की प्रॉब्लम का भी पता है और इसलिए वो मेरी हेल्प भी करता है। तो फिर हम उसे पकड़ कैसे पाएंगे? अगर हम अपनी ऑब्जर्वेशन किसी एक पर फोकस करें तो शायद कोई सुराग मिल सकता है। आई सी, तुम्हें किसी पर शक है? हॉस्पिटल में मैंने अब तक कम से कम 10 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है, तो शायद उनमें से ही कोई हो, और अगर उनमें से कोई नहीं है तो शायद मेरी पहचान वाला हो।
ये सब तो ठीक है, लेकिन उन 10 लोगों को हम कैसे ढूंढ पाएंगे? उसकी सारी डिटेल्स हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स में मिल जाएंगी। मैं आपको सारी फाइल्स दे दूंगी, आप उन सब पर नजर रखिएगा। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते सर। सर, ये काम पूरी सावधानी से होना चाहिए, अगर उन्हें पता चल गया तो इसका अंजाम ठीक है। इसकी क्या स्टोरी है? ये है हमारे गुड्डू साहब, दिन रात इनको मजनू गिरी सूझती रहती है। अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये दिन रात खिड़की पर बैठकर टांग झांक करते रहते हैं। तुम कौन हो? मैं राइट वाला, ये लेफ्ट वाला। हैंड्स। ओ, उसके बाद क्या हुआ? प्यार को पाने के लिए हमारे राजा साहब दीवार तक फान गए। स्टॉप इट, अब मैं बोलूंगा। तुमने कहा कि उस लड़की के लिए राजा साहब दीवार से फान गए, तो फिर वो लड़की भी राजा साहब के पीछे वो दीवार फान गई होगी, राइट? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? लड़की आग है और लड़का पानी। जब आग और पानी मिल जाएंगे तो हेरी चंद्रमुखी। देखो वो वहाँ चिल्ला क्यों रहा है? कल रात को उसने एक पिक्चर देखी है और पिक्चर देखने के बाद रोड के ऊपर कुत्तों की तरह चिल्ला रहा था चंद्रमुखी का नाम लेकर के। उन लड़कियों ने कंप्लेन की। चंद्रमुखी है मेरी। इस चंद्रमुखी की आत्मा को नीचे ले जाकर शॉक ट्रीटमेंट दो, इसको अपनी माँ और बीवी याद आ जाएंगे। चंद्रमुखी। वो सब बातें जाने दो, आज चंद्रमुखी रिलीज हुई है, तुम्हारी परमिशन हो तो देखकर आ जाऊं। तुम क्यों जाओगे? तो भाई रात को रजनीकांत प्रिंट ले आएंगे, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में बैठकर देखेंगे। वेरी गुड, तुम बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। कीर्ति कहाँ है? कीर्ति की क्लास में मैं गया था लेकिन वो नहीं दिखी। क्लास में नहीं दिखी तो फ्रेंड्स को पूछना चाहिए था ना। हेलो कीर्ति, मेरे पास है। उसे कुछ मत करना। तुम्हारा काम हो गया तो तुम मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहती हो? मैं क्या तुम्हें पुलिस से पकड़वाऊंगी? कल रात को जब मैं छुरी देने आया था तो पुलिस वहाँ कैसे आ गई? तुमने ही कॉल किया था ना। मैंने पुलिस को नहीं बुलाया, तुम ही पुलिस की वैन देखकर भाग गए थे। तुमने सच में पुलिस को कुछ नहीं बताया ना? मैं सच कह रही हूँ, प्लीज बताओ कीर्ति कहाँ है। स्कूल के पीछे एक पेड़ है, उसी में बांध के रखा है। के जगह अगर कीर्ति होती तो, अगर इस बार तुमने पुलिस को कुछ बताया तो। कीर्ति कहाँ है? स्कूल बस के अंदर है। ये सब क्या है पापा? आज कीर्ति के साथ ऐसा हुआ है, कल अगर मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। क्यों चिंता ना करूं? आप हमेशा ऐसा ही कहते हैं, सीरियसली लेते ही नहीं। दो दिन पहले किसी ने हमारे घर में घुस के हमारे किचन से छुरी ले ली, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। बाथरूम से आते वक्त उसने कीर्ति को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेहोश कर दिया। उसने कीर्ति को क्यों छुपाया था? तुम्हें डराने के लिए? डराने के लिए नहीं सर, वो फाइल्स चुराने के इरादे से आया था। अगर उसमें से एक फाइल गायब है तो तुम उस इंसान को आसानी से पहचान लोगी, ये तुम अच्छे से सोच लो। काश हम जैसा सोचते वैसा होता, लेकिन उसने बहुत होशियारी से काम लिया, 3-4 फाइल्स ले गया। 10 लोगों में से एक आदमी को पकड़ने के बजाय अगर 4 में से एक को पकड़े तो वो आसान होगा। आई थिंक सो सर। जो फाइल्स गायब हुई हैं उनकी डुप्लीकेट कॉपीज तुम्हारे पास तो जरूर होंगी? नहीं सर, सेंट्रल जेल जाके वेरीफाई करके मुझे लाना पड़ेगा। पवित्र, वो हमसे एक कदम आगे सोचता है। करेक्ट सर। वो बहुत शातिर है, तुम्हारे घर से टेडी बेयर ले जाकर के उसने स्कूल में रखा ताकि तुम्हें डरा सके। Take care. Okay.
बाय बाय। हेलो। सॉरी पवित्रा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मुझे धोखा क्यों दे रही हो? अगर कीर्ति को कुछ हो जाता तो? गुस्से में मेरा दिमाग काम नहीं करता है। वो टेडी बियर खराब हो गया ना, तुम्हें दूसरा खरीद के दे दूंगा। पर तुम क्यों खरीदोगे? मैं खरीदूंगी। क्योंकि गलती मेरी थी। नेकलेस रोड की दुकानों पे सेल लगा है, वहाँ से तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टेडी बियर खरीद के तुम्हारे घर पे रख दूंगा, जहाँ से वो पहले वाला उठाया था। हेलो पवित्रा। सर जल्दी से नेकलेस रोड पर आइए। वहाँ क्यों? नेकलेस रोड पर सेल लगा है और वो वहाँ टेडी बियर खरीदने आ रहा है, शायद हम उसे पकड़ सकते हैं। बिरजू दादा, 9949399299। देखा, चली गई होल में। हेलो, आप बिरजू बोल रहे हैं ना? अपन बिरजू दादा बोल रहा है। मैं बोल रही हूँ पवित्रा। पवित्रा, पवित्रा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? गणेश जी की पूजा के लिए आप चंदा लेने आए थे। तुमको कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन मैंने भगवान का अपमान करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने तो मजाक किया था, तुम तो सीरियस हो गई। उस दिन के लिए तुमसे मिलके सॉरी बोलना चाहती हूँ। मुझसे मिलके सॉरी बोलना चाहती हो? कहाँ मिलना है? नेकलेस रोड पे दुकानों में सेल लगी है, तुम आ सकते हो वहाँ पर? तुम तो पास ही हो। आ रहा हूँ, मैं भी आया। मैंने अच्छी एक्टिंग की ना, टीवी पे एंकरिंग का चांस मिलेगा? अभी नहीं, उसके लिए टाइम है। फॉलो करना है। वही आदमी जो बाइक पार्क कर रहा है? यस सर। वो उन चार में से एक है? नहीं सर, ये कोई और है। कोई और है? तुम इस पर क्यों शक कर रही हो? इसके साथ मेरा दो बार झगड़ा हुआ है। सिर्फ झगड़े की वजह से किसी पर शक करोगी? सर एक और वजह है, जब हम राजभवन गए थे तब मैंने इसे अंदर से बाहर आते हुए देखा था। पर यही वो आदमी है, ये कैसे साबित करोगी? सर अगर ये सेल से टेडी बियर खरीदता है तो कंफर्म हो जाएगा ये वही है। अगर नहीं खरीदा तो? सिंपल, तो फिर उन चार लोगों में से हमें कोई ना कोई मिल जाएगा। ओ सॉरी सॉरी मैडम, मैं अपनी फ्रेंड को ढूंढ रहा था इसलिए देखा। गर्लफ्रेंड? हाँ गर्लफ्रेंड। आपके चेहरे का टेंशन देख के पता चल रहा है कि फर्स्ट टाइम आई लव यू बोलने वाले। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो स्टोरी स्टार्ट भी नहीं हुई। ऐसी बात है तो ये टेडी गिफ्ट कर दीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। टेडी बेयर? मेरी फ्रेंड बच्ची नहीं है, वो तो एकदम नौजवान लड़की है। टेडी बेयर सिर्फ छोटे बच्चों के लिए है, ये आपसे किसने कहा? मैं भी तो एक लड़की हूँ, मुझे टेडी बेयर बहुत पसंद है। तो क्या उसकी पसंद भी आपकी जैसी होगी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती, घर जाने के बाद ये टेडी देख के याद आ जाएगी। मेरी बात मान लीजिए, ये टेडी बेयर उसे गिफ्ट कर दीजिए। तो मैं इसे खरीद लूँ? हाँ, व्हाई नॉट। थैंक यू सो मच। आपका नाम? सुरभि। मैं बिरजू दादा। इसके लिए गिफ्ट खरीदे? मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। इसी ने तुम्हारे दोस्त के साथ झगड़ा किया था? हाँ यही था सर। क्या बोला था उस दिन? सर ये बोला था कि घर के अंदर घुस के मारूंगा। ये क्या बोल रहा है? ठीक है जाओ। ओके सर। तुम्हारा नाम क्या है बिरजू? बिरजू दादा सर। राधा कृष्ण को तुमने क्यों मारा? राधा कृष्ण कौन है सर? भूल गए, उस दिन बार में जिसके साथ झगड़ा हुआ था। अच्छा तो उसका नाम राधा कृष्ण है? कभी कभी नशे में हम ज्यादा कुछ बोल देते, पर मैं किसी का खून थोड़ी करूंगा सर, मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ सर। ठीक है। बॉल, 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 नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा तू, बॉल। आप पवित्रा के साथ तुम्हारा क्या झगड़ा है? सर मेरा उस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, वो तो सरफिरी लड़की है। उसके साथ मामूली सा झगड़ा, उसके जीजा से मामूली सा झगड़ा। ब्लड इज स्टिल फेलो।
उसका जीजा कौन है सर? एक्टिंग कर रहे हो? सर सच में कुछ नहीं पता? सर मैं नहीं जानता सर। उस रात राधा कृष्ण के साथ तुमने एक मामूली सा झगड़ा किया और उसका कत्ल कर दिया। मतलब राधा कृष्ण पवित्रा का जीजा है? सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दो दिन पहले तुम राजभवन क्यों गए थे? मेरे वकील ने मुझे वहां भिजवाया था। कौन है तेरा वकील? क्रिमिनल लॉयर श्री कृष्णा। क्रिमिनल लॉयर के साथ घूम घूम कर तुम भी क्रिमिनल बन गए हो? बोल, बोल, बोलता है। पवित्रा को फोन कर करके तुम उसे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? मैं उसे टॉर्चर क्यों करूंगा सर? उसने मुझे कॉल करके एग्जीबिशन में बुलाया था। अच्छा, एग्जीबिशन से तुमने टेडी बियर क्यों खरीदा? पवित्रा को गिफ्ट करने के लिए सर। टेडी बियर उसे गिफ्ट करोगे? पवित्रा कोई छोटी बच्ची है। मैंने भी उस दुकान वाली लड़की को यही कहा था, पर उस सुरभि नाम की लड़की ने मुझे ये खरीदने को कहा। उस लड़की को तुम गिफ्ट देना चाहते थे, उसने तुम्हारे खिलाफ केस फाइल किया है। केस फाइल किया है? पर क्यों सर? पवित्रा को फंसाने के जुर्म में तुमने उस लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उसे प्यार का झांसा दिया और मजबूर किया कि वो तुम्हारे साथ शादी कर ले। इसीलिए ब्लडी सिली फेलो, इसे तब तक पीटते रहो जब तक कि ये सच न बोले। सर, सर। तुम यही सोच रही हो ना कि टेडी बियर तुम्हारे घर कैसे पहुंचा? बिरजू को पकड़वा कर मैंने एक छोटा सा खेल खेला और तुम फंस गई। बिरजू को क्यों फंसाया? क्योंकि उसकी वजह से भी मुझे प्रॉब्लम हुई है। जब मैंने तुम्हें बोला कि मैं टेडी खरीदने जा रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि मैं तुम्हारे घर के पीछे ही छुपा था। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है पवित्रा, तुम बदल चुकी हो, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। वो छुरी अभी मेरे पास ही है जिससे मैंने तुम्हारे जीजा जी को मारा था, और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। एक और मर्डर करके उसे सीपी को ये छुरी गिफ्ट कर दूंगा। पता था तुम मुझे कॉल करोगी पवित्रा। I'm sorry, मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हें पुलिस के हाथों पकड़वाने की कोशिश की, पर आज से तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। सच में करोगी? हाँ करूंगी। कब मिलोगी? तुम जब कहो, कल मिलूं? ठीक है, कल सुबह 10 बजे रोड नंबर 25। और अगर इस बार तुमने पुलिस को कुछ भी बताया तो कीर्ति जिंदा नहीं बचेगी। तुम्हारे कहने पे मैंने तुम्हारे
तुम्हारे जीजा जी को मारा। पार्क में मैं तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार करता रहा, पर तुम नहीं आई। नेकलेस रोड की दुकानों पे सेल लगा है, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टेडी बियर खरीदूंगा। मैंने क्या किया मैडम? कितनी आसानी से मुझे बेवकूफ बनाया, अपनी फाइल मेरे पास छोड़ दी ताकि मैं तुम पर कभी शक ही ना कर सकूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रही हैं मैडम। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए आया हूँ, उन लोगों ने मुझे यहीं रुकने को कहा है और इतने में आप आ गई। ये देखिए डायलॉग पेपर। हमारे डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से कल रात बिरजू भाग गया। ये पता लगने के बाद तुम परेशान हो जाती, इसलिए हमने तुम्हारे घर के आसपास सिक्योरिटी अरेंज कर दी और तुम्हारा फोन भी टैप किया। टैप फोन में जब मैंने सुना कि तुम क्या कह रही हो तो आई वाज शॉक्ड। तुम्हारी जानकारी के बिना हमने तुम्हें फॉलो किया। कम ऑन, टेल मी द ट्रुथ। उस रवि के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? सर, फोन पे जो वॉइस है वो मेरी है। मैंने ही उससे कहा था कि मैं उससे मिलूंगी। अगर मैं ऐसा नहीं बोलती तो वो गुस्से में आके किसी को मार देता। मैं एक खून और कर दूंगा। आप सबको मेरी बात सुनकर हैरानी हो रही होगी, पर यही सच्चाई है सर। रवि से मेरी पहचान 2 साल पहले हुई थी सर। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मेंटल काउंसलिंग के लिए मेरे पास लाया गया था। तुम मरना क्यों चाहते हो? पद्मावती ने मुझे धोखा दिया है। कैसा धोखा दिया? वो प्यार मुझसे करती थी लेकिन शादी किसी और से कर ली। उसने तुमसे कहा था कि वो तुमसे प्यार करती है? हाँ बोला था। रवि, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे एक जींस पैंट दिलाओगे? तो क्या तुमने उसे दिलाई? मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने ट्यूशन मास्टर के घर से पैसे चोरी किए। तुम और क्या करते थे? कोई भी नई मूवी लगती थी तो मैं उसके लिए टिकट लाता था। वो इससे खुश होती थी? मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता था। उससे बात करने की कोशिश की थी? मैं उससे बात करने के लिए ही उसके घर गया था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा उसकी शादी हो चुकी थी और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। रवि की बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए मैं उसके गांव गई और पद्मावती से भी मिली। मैं हूँ पद्मावती, आपको मुझसे क्या काम है? क्या तुम रवि को जानती हो? कौन रवि? जिसने तुम्हें जीन्स पैंट दिलाई थी, वही रवि। मुझे जिसने जीन्स पैंट दी क्या उसका नाम रवि है? क्या तुम नहीं जानती कि वो कौन है? नहीं मैडम, जब सो के उठी तो जीन्स पैंट मेरे बेड पर थी। अगर ऐसा है तो तुमने उससे जीन्स क्यों मांगी? जब मुझे पता ही नहीं कि वो कौन है तो मैं कैसे मांग सकती? पद्मावती से बात करने के बाद मुझे पता चला कि रवि सब कुछ अपने मन से उस लड़की के लिए करता था। उस लड़की ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा। और वहाँ से लौटने के बाद मैंने उसका MRI स्कैन किया, उसके हार्मोन टेस्ट किए और उसकी रिपोर्ट से मुझे पता चला कि वो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर नाम की एक दिमागी बीमारी का शिकार है। उसकी सजा खत्म होने से पहले मैंने उसका इलाज भी किया और फिर वो जेल से रिहा हुआ। रिहा होने के बाद जब उसकी फैमिली कंडीशन का पता चला तो मैंने सोचा उसकी मदद करनी चाहिए और इसीलिए मैंने उसे स्वामी जी के आश्रम में एक नौकरी भी दिलवाई थी ताकि वो अपनी जिंदगी गुजार सके। तुमने इसकी इतनी हेल्प की फिर भी इसने तुम्हें क्यों टारगेट किया? यही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। ट्रीटमेंट के दौरान जब मैं उसे आश्रम में मिली तब वो मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन उसके बाद उसमें ये जुनून कब पैदा हुआ आई डोंट नो। इस जुनून में उसने मेरे जीजा जी को भी मार दिया मेरी मदद करने के लिए। रोड एक्सीडेंट में 2 लड़कों की मौत हो गई। राधा कृष्ण मर्डर केस के असली कातिल को पुलिस ने आखिर कस्टडी में ले लिया है। पुलिस की नजर में वो एक मानसिक रोगी है। क्या हुआ भाभी, आप इतनी रात को यहाँ? रवि ने शहर में किसी का खून किया है, पुलिस ने पकड़ लिया है, टीवी पे ये सब कुछ दिखा रहे हैं। क्या भाभी, तुम जो बोल रही हो वो सच है? और नहीं तो क्या, मैं यहाँ टाइम पास थोड़ी कर रही हूँ। हे भगवान, मैंने अपने पति को खो दिया, अब क्या अपने बेटे को भी खो दूंगी। क्या हुआ मनोरमा, रो क्यों रही हो? अरे रोएगी नहीं तो और क्या, इसके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है। हे भगवान, अब क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रोना बंद करो मनोरमा, परेशान मत हो, कल हम एमएलए के पास जाएंगे। मुझे बचा लो। रवि नहीं, प्लीज किसी को कुछ मत करो रवि, प्लीज। मुझे पुलिस से पकड़वाओगी ना? नहीं रवि प्लीज। नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। तुमने 5:30 का अलार्म लगाया था ना, तो इतनी जल्दी क्यों उठ गए? टाइम पास के लिए तुम्हारा एल्बम देख रहा था, तुम्हारी तो अच्छी खासी फैमिली है। क्यों, तुम्हारे जीजा जी का कत्ल मैंने किया, मैं क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ? हाँ नहीं बिच्छू, ये सब मेरी गलती है, मुझे गलत फहमी हो गई थी। भगवान का शुक्र है कि मैंने कुछ किया नहीं, अगर मैं गुस्से में आकर तुम्हें मार देता तो शायद मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। तुम मुझे नहीं मारते बिरजू, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, वो भी एक छोटे से झगड़े के पीछे। छोटा सा झगड़ा जिसके लिए तुमने मुझे जेल भिजवा दिया? लाइट ऑफ करके हिसाब पूरा कर दूं? उतना छोटा नहीं था, थोड़ा सा बड़ा था। प्लीज मुझे छोड़ दो ना। इस लाइट की कसम मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सच में बिरजू? सच में ना? हेलो, पुलिस से पकड़वा के तुमने बहुत मजे लिए ना? उस रवि ने मुझे चांस ही कहां दिया, घर आता ही फोन आ जाता है। वो तो ठीक है, पर इन जख्मों का क्या? ट्रीटमेंट कराने में 10,000 का खर्चा होगा, कौन भरेगा? और शीशा लगाने के पीछे जो 5,000 खर्च हुए वो कौन देगा? कृष्ण जी बेहतरीन क्रिमिनल लॉयर हैं। मेरे एमएलए जीजा जी के सारे केस यही डील करते हैं। सर इस पॉइंट पे केस फाइल कर दो। हाँ क्या बात है एमएलए साहब के जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। हाँ एमएलए साहब का फोन आया था, वो किसी केस के बारे में बोल रहे थे, क्या है केस? आ जाइए मैडम, ये मनोरमा है, हमारे गांव में रहती हैं। जीजा जी ने आपको बताया ही होगा। नमस्ते साहब। बात क्या है? इनके बेटे को पुलिस ने मर्डर केस में अरेस्ट कर लिया है। तो मैं बेल दिलवा के केस शुरू करवा दूं, है ना? एकदम सही सर। फीस कौन देगा? तुम्हारे जीजा जी, उनको मेरे स्टेटस के बारे में सब कुछ पता है, उसके बावजूद वो ऐसे केस को मेरे पास भेजते हैं। बाय इंद्रा। इनके पास कोई वकील नहीं है, अगर आप मदद करेंगे तो। इस बात को कोर्ट में बोलो, कोर्ट अरेंज कर देगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अगर ये केस लड़ते हैं तो भगवान की कृपा होगी। आप बाहर रुकिए और उनसे एक बार मिल लीजिए। सुनिए बहन जी, क्या आपको भूख लगी है? मैं भूखी नहीं हूँ साहब, कहाँ गए? दिन दहाड़े रास्ते में मर्डर करने वाले खतरनाक मुजरिमों के केसेस सालों से कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, इसलिए कुछ लोग कानून से बिल्कुल नहीं डरते हैं। पूरे समाज में जुर्म बढ़ने की वजह से दहशत फैली रहती है। कुछ राज्यों में देश की ऐसी हालत बिल्कुल नहीं है, कानून वहां भी लागू किया जाएगा, सजा बहुत कठोर रहेगी, जुर्म साबित होता है तो गुनहगारों को सबके सामने फांसी दी जाएगी। इस मामले में जहां मेरा सवाल है, मैं इस सजा से सहमत हूं। मैंने भी एक गुनहगार को फांसी की सजा सुनाई थी, पर मुझे कभी अफसोस नहीं। नमस्ते जज साहब। नमस्ते। आपकी स्पीच सुनी, बहुत अच्छी थी। थैंक यू। आपने जब उस आदमी को फांसी की सजा सुनाई तो उसके परिवार वाले या कोई और उसको याद किए? वो कोई भगत सिंह या राजगुरु तो नहीं थे जिन्हें याद किया जाए। इंसान तो था। वो भी तो एक इंसान था जिसे मारा गया। Thank you.
मैंने पैसा भेजा था, लिया नहीं? नहीं लिया सर। नींद नहीं आ रही थी, सिगरेट पी के आया। क्या आपने उस औरत को देखा जो हमारे घर के सामने बैठकर कब से बारिश में भीग रही है? कौन सी औरत? वही औरत जो बाहर बैठी है, जिसका केस लड़ने के लिए आपने साफ साफ मना कर दिया है। बेचारी। मैंने उसको देखा है। मैंने भी उसे देखा है। गरीबी की वजह से वो अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाई, पैसे कमाने के लिए अपने बेटे को साथ ले जाया करती थी, धूप में, बारिश में। शायद आपको भी यही हालातों से गुजरना पड़ा होगा। आपके माताजी के साथ, याद आया, मैंने अपने सासू माँ को देखा नहीं, लेकिन सोच सकती हूँ शायद वो इसी माँ जैसी दिखती होगी जो बारिश में भीग रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मेरे पास एक केस आया हुआ है। कौन सा सर? एक लड़का है पागल सर। पागल क्यों सर? उसको देखना चाहोगे? पागल है तो मैं नहीं आऊंगा सर। मेरी माँ कहती है पागलों से दूर ही रहो। नो प्रॉब्लम, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, डरो मत, छोड़ दो मुझे। बैठो, बैठो, बैठो। पागल कहीं के? मुझे मत मारो, मार दूंगा तुझे। तेरी वजह से पुलिस ने मुझे कितना मारा जानता है? बिरजू, बिरजू सर, बिरजू पीछे हट। नहीं, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ। जब आप दिल्ली गए थे तो पुलिस ने मुझे इसी की वजह से पकड़ा, इसी पागल की वजह से। ओके, मैं बात करता हूँ। तुम बाहर जाओ, तुम बाहर जाओ ना। मैं बाहर हूं। बैठो, मैं तुम्हारा वकील हूं, डरना मत। क्या तुमने पहले कभी मुझे देखा है? हाँ देखा है। कहाँ? स्वामी जी के आश्रम में। गुड, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया मुझे। अब तुम दोबारा बिना कुछ छुपाए मुझे सब कुछ बताओगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है? आप ये केस मत लीजिए। क्यों? मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं, वो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। अच्छा, आप उसके बारे में जानते नहीं है सर। जान गया हूं, तुम उस लड़की के बारे में नहीं जानते। उस लड़की की वजह से आज रवि की ये हालत है। रवि इनोसेंट है। मुझे विश्वास नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा है? वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती। क्या कहा? प्यार? वो लड़की एक पागलों की डॉक्टर है, तुम्हारे जैसे कई लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, तुम फंस जाओगे। सर गाड़ी रोकिए।
सॉरी सर, अगर आप ये केस लेते हैं तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तुम नहीं करोगे तो भी ये केस मैं ही जीतूंगा। बेस्ट ऑफ लक सर। बस यहीं पर गाड़ी रुको। दिस इज द हॉस्पिटल। हाय डॉक्टर, मैं हूँ डॉक्टर हरभजन सिंह। सिंह नहीं, रिंग। मुझे वो रिंग चाहिए। आई एम पेशेंट प्रताप। आइए डॉक्टर, अंदर चलिए। कार में एक पेशेंट भी है, उसे भी अंदर फॉलो में चलो। अरे पागल, नीचे उतर। मैं पागल नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ। मिस्टर डॉक्टर। यस। ये पागल कह रहा है कि ये पागल नहीं डॉक्टर है। सेम डायलॉग बट पेशेंट डिफरेंट। शाम तक ये भी ठीक हो जाएगा, उसको अंदर लेकर आओ। दैट्स गुड। ही इज द वन। यस, होल्ड दिस। शेर आया, शेर आया, शेर आया। बकरे को बचाओ, बकरे को बचाओ, बकरे को बचाओ। तुम मेरी बकरियों को चढ़ाओगे? शेर आने पर डरोगे तो नहीं? क्या ट्रीटमेंट दिया आपने? एक लेफ्ट एक राइट दे दिया। डॉक्टर ये है कि आप ये सीनियर पेशेंट है ना, हर बात पे रिएक्ट करना इनकी आदत हो गई है। मैं पागल नहीं हूँ। ये भी सीनियर पेशेंट इसी की तरह। आप सबसे पहले इसको देखिए डॉक्टर। इसकी बीमारी लेफ्ट राइट से ठीक नहीं होगी, सेंटर में शॉक देना होगा। घोड़े की तरह हिलाएगा। भाई मैं यहाँ यहाँ कैसे आया? अबे तुम ताजमहल में बैठे हो। श्री कृष्णा ने रवि का केस ले लिया है। तुम पर भरोसा करके मैंने रवि को मारने के लिए तुमसे कहा था, पर तुमने उसे मारा नहीं। अगर उसने कोर्ट में बक दिया तो मैं फंस जाऊंगा। मैं यहां तुमसे कुछ कह रहा हूं और तुम खाने पीने में लगे हो, वो कोर्ट ना पहुंचने पाए, इतना याद रखना। लेकिन लॉयर कृष्णा रवि का केस क्यों लड़ रहे हैं? वो आश्रम में काम करता था, शायद इसलिए स्वामी जी ने उसकी मदद की होगी। स्वामी जी को ये सब नहीं पता क्या? उन्हें कैसे पता चलेगा, हमने उन्हें कहाँ बताया? वो रवि की मदद कर रहे हैं, मतलब हमारे साथ नहीं है वो। बिरजू तुमने जल्दबाजी कर दी। क्यों पवित्रा? तुम लॉयर का साथ देते तो हमें इस केस की डिटेल्स पता चल जाती। अगर सच्चाई हमारे पास होती तो जरूरत पड़ने पर हम भी लड़ते। अगर हम केस जीत गए तो ठीक है, पर अगर श्री कृष्ण केस जीत गया तो रवि निर्दोष साबित हो जाएगा ना? फिल्म देखने जाने के लिए मैं बस स्टॉप पर खड़ा था, बस भी आ गई। आरटीसी कॉलोनी जाने के लिए कहा, उसने कहा जाऊंगा, चढ़ जाओ। मैं बस पर चढ़ गया और सीधा यहाँ आ गया। जब मैं होटल से बिरयानी लेके आ रहा था तो कुछ कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए, तो मैं तुरंत बस में चढ़ गया और वो बस मुझे यहाँ छोड़ गई। मैंने पैर ऊपर किए, दीवार से कूदा और सीधा यहाँ पहुँच गई। सर हमें यहाँ से कैसे भी करके जाने दीजिए, हम पागल नहीं है सर। तो तुम लोग पागल नहीं हो? हम पागल नहीं है सर। लेकिन मैं पागल हूँ। डॉक्टर नहीं हूँ। तुम पागल हो? झटका लगा। अभी अभी मैंने दो पागलों को बाहर बिरयानी खाने के लिए यहाँ से रिलीज कर दिया है। सर हमें भी बिरयानी खानी है, हमें बाहर जाने दीजिए सर। दो दिनों बाद सारी पिक्चर्स अच्छे से लीजिए उस तरफ। यहाँ भी चिदानंद जी की आज सुबह हत्या हो गई है। हत्या की वजह अभी तक किसी को पता नहीं चली है। पुलिस आश्रम में छानबीन कर रही है। ये सब कब हुआ? मुझे नहीं पता। आज सुबह जब स्वामी जी नींद से नहीं उठे तो हम उन्हें जगाने आए थे, देखा तो वो नहीं रहे। स्वामी जी रात को सोने से पहले किसी से मिले थे? असल में कल से ही स्वामी जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो किसी से भी नहीं मिले। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। Any clues? Yes, sir.
करीम वो बॉटल सर को देना। एसीपी यहां क्यों आ रहा है? हाय सर। पवित्रा कुछ पूछना था। हाल्डोल एक सिडेटिव ड्रग है, अगर इसकी अधिक मात्रा इंजेक्शन से ले ली जाए तो उसका क्या इफेक्ट होगा? डेथ ऑफ कोर्स सर। क्या ये मेडिकल शॉप में आसानी से मिल जाता है? नो सर, ये एक स्केड्यूल ड्रग है जो सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही दिया जाता है। इट इज प्रिस्क्राइब बाय क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट फॉर मेंटल इलनेस। बाहर शॉप्स में ये अवेलेबल नहीं है। टॉमी जी को किसने मारा होगा? पता नहीं सर, मुझे कैसे पता होगा। मैं बता दूं? बात क्या है सर? तुमने मारा है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? स्वामी जी की बॉडी के पास से हमें हॉल्डल इंजेक्शन की एक खाली बॉटल मिली है और ये सभी तुम्हारे ही हॉस्पिटल को सप्लाई हुई थी। ये रहा बैच रिपोर्ट। तुम्हारे हॉस्पिटल में जो ड्रग सप्लाई होती हैं, उनकी इंचार्ज तुम ही हो। तुम्हारे परमिशन के बिना वो बाहर नहीं आ सकते। सर्च वॉरेंट, प्लीज कोऑपरेट। अच्छे से सर्च करो। यस सर। उस तरफ। बता सकती हो ये क्या है? मुझे नहीं पता सर। मैं इसे प्ले कर सकता हूँ? श्योर सर। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये सब कैसे हो गया? पवित्रा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। हालात की वजह से तुम्हें गुनहगार मानना पड़ेगा। तुम हिम्मत मत हारो। सर, हाई लेवल प्रेशर है, अरेस्ट करना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। केस की सुनवाई के बाद कोर्ट पवित्रा की अर्जी को खारिज कर उन्हें जेल भेजने का हुक्म सुनाती है।
परछाई जो हमने सीढ़ी में देखी वो रवि की है। ये तुम कैसे कह सकती हो? एकादशी वाले दिन जब प्रसाद लेने के लिए मैं स्वामी जी के कमरे में गई तो रवि वहीं था। हाँ तो? नशे वाला प्रसाद खिला के जब स्वामी जी ने मुझे बेहोश किया तब भी रवि वहीं था। जब उसने मुझे ऐसी हालत में देखा तब उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया। वैसे तुम्हारे जीजा जी के मर्डर केस में सेक्शन 84 के तहत ये साबित हो चुका है कि रवि में बीपीडी क्वालिटीज हैं। मेंटल हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। A-P-P-L-E, Apple, B-A-L-L, Ball. मेरे सीनियर ने कहा इनके टेस्ट कल होंगे, इसीलिए मैं इन्हें सिखाने गार्डन ले जा रहा हूँ। L-A-D-Y, B-O-L-E, जो इधर खड़ा है। अरे बाप रे, फिल्मों की तरह कूद रहा हूँ। D-A-T-A, टाटा। So, you are not a lunatic. तुम पागल नहीं हो, डॉक्टर हो, और वो हरभजन पागल। हरभजन मैं हूँ डॉक्टर। अगर तुम हरभजन हो तो वो कौन है? मुझे नहीं पता डॉक्टर। तुम हरभजन हो तो वो कौन है? वो पागल है डॉक्टर। डी ब्लॉक में से सब पागल पेशेंट भाग गए हैं। कॉल डॉक्टर हरभजन। मैं ही हूँ। आप चुप रहिए। कॉल डॉक्टर हरभजन इमीडिएटली। वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे सर। ओह माय गॉड, उसे वो पागल लेकर भाग गए क्या? नहीं सर, वो पागल आपके सारे पागलों को भगा कर ले गया। आप ये बैग चेक कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। लीजिए देखिए। तुम तो सही कह रहे हो भाई, तुम ही डॉक्टर हो, वो पागल है। चलो समझ में तो आया। मुझे तो ये बात रात को ही पता चल गई थी और ये सारी बातें मैंने सुन ली थी। तो मुझे क्यों नहीं बताया? आपने तो बताया था कि पागलों के बीच में आपका कोई खबरी भी है। मैंने तुम्हें डराने के लिए बोला था बस। क्या करें? एक काम करो, बस निकालो। कहाँ जाना है? ये बस नागपुर जाती है क्या? ये सब जगह जाती है। चलो आ जाओ। कहाँ जाना है? लोनावला जाएगी। ये सब जगह जाती है। चलो आ जाओ। कहाँ जाना है? विक्रम बाग। चलो आ जाओ। कहाँ जाना है? बैंगलोर। चलो आ जाओ। ये क्या, विक्रम बाग, लोनावाला, नागपुर, बैंगलोर, सब जगह के पैसेंजर भर लिए? दरअसल कौन से रूट की गाड़ी है? सब जगह कैसे जा पाएंगे? बस तो एक ही है ना, तुम फिक्र मत करो। आ जाओ, उतर जाओ, उतर जाओ। चलो उतरो उतरो उतरो, सब लोग जल्दी नीचे आओ, जल्दी। ये चलो, क्या कहाँ लेकर आ गए हम लोगों को? पागल खाने में। पर हम लोग पागल नहीं है, यहाँ जो भी आता है उसका पहला डायलॉग यही होता है। सुनो सत्यम, सब ठीक है ना? सब ठीक है, वंडरफुल है। लेट क्यों कर रहे हो? गेट बंद करो। ओके सर। तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके सर। Criminal case number 135 of 2008, State vs. Ravi, filed under section 84 and 320 of IPC, Defense Counsel Shri Krishna. इजाजत है, prosecution lawyer अपना केस शुरू करें। Your Honor, ये अभियुक्त लड़का रवि, इसकी मानसिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से इसने राधा कृष्ण जी का कत्ल कर दिया, ऐसा पुलिस ने अभी अभी इल्जाम लगाया है। इसलिए आईपीसी सेक्शन के धारा नंबर 302, 306 और सेक्शन नंबर 84 के अनुसार क्रिमिनल की अच्छे से इंक्वायरी करने की कोर्ट से इजाजत चाहता हूँ। ओके, प्रोसीड। क्या तुम इस रवि नाम के लड़के को जानती हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है? जानती हूँ सर। कैसे जानती हो? इसकी बहन और मैं क्लासमेट्स थे और कभी कभी वो अपने बहन के साथ मेरे घर पर आता था। इसके अलावा तुम इसके साथ संपर्क में रही हो? नहीं सर। संपर्क में ना रहने पर भी तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीजें मिल जाती थी? कभी कभी मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन पवित्रा जी ने मुझे समझाया। क्या समझाया? कि उसे एक बीमारी है। एसीपी सुरेंद्र सर, इस केस से संबंधित जितने भी डिटेल्स हैं ये आप कोर्ट को बताना चाहेंगे? यस योर ऑनर। डॉक्टर पवित्रा, क्या आपको लगता है कि रवि ने ही ये हत्या की है? यस सर। आप साबित कर सकती हैं? उसकी बीमारी और उसकी रिपोर्ट्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। डिफेंस काउंसिल, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन। योर ऑनर, इस केस को सॉल्व करने के लिए मैं कोर्ट से दूसरा डॉक्टर अपॉइंट करने की दरख्वास्त करता हूँ। डॉक्टर पवित्रा तो है ना योर ऑनर? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। इंटरेस्टेड विटनेस, स्वर्गीय राधा कृष्ण जी पवित्रा जी के जीजा जी थे।
अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 118। इंटरेस्टेड विटनेस के सबूत मान्य करार नहीं दिया जाएगा। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। डिफेंस लॉयर की पूछताछ के बाद मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दूसरी साइकेट्रिस्ट नियुक्त करने की घोषणा करता हूँ। डिफेंस काउंसिल, यू कैन स्टार्ट क्रॉस एग्जामिनेशन। एसीपी साहब, राधा कृष्ण मर्डर केस आप ही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना? यस। मर्डर स्पॉट पे पहुंचने के बाद क्या आपको मर्डर वेपन मिला? नहीं मिला। नहीं मिला। वेरी वैल्यूएबल पॉइंट योर ऑनर, प्लीज नोट दिस। क्या आप राधा कृष्ण जी की दूसरी वाइफ हैं? हाँ सर। जब पवित्रा केस फैमिली कोर्ट में हार गए तो उसके बाद क्या हुआ आप बता सकती हैं मुझे? उस दिन कोर्ट के बाहर पार्किंग एरिया में पवित्रा ने मेरे पति को धमकी दी। कैसे? उसने कहा कीर्ति को तुम मुझसे दूर नहीं ले जा सकते, अगर जरूरत पड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगी। थैंक यू, प्लीज नोट द पॉइंट योर ऑनर। बिरजू, क्या तुम्हारा रवि से परिचय है? नहीं। नेकलेस रोड पे एसीपी साहब ने तुम्हें अरेस्ट किया था? क्योंकि मैं पवित्रा को फोन करके परेशान कर रहा था। तुमने ऐसा किया था? नहीं। फिर ऐसा किसने किया? रवि ने। ये बात तुम्हें खुद पता चली या किसी ने बोलने के लिए कहा? पवित्रा ने कहा। हाँ पवित्रा, दैट्स ऑल योर ऑनर। पुलिस ने कहाँ अरेस्ट किया था? रोड नंबर 25 भूत बंगला। तुम क्या कर रहे थे वहाँ? मैं वहाँ फिल्म की शूटिंग के लिए गया था। वहाँ पे क्या हुआ? मैं वहाँ उन लोगों का इंतजार कर रहा था और इतने में डॉक्टर पवित्रा वहाँ आ गई। उसके बाद पवित्रा जी ने मुझसे पूछा कि मैंने उनके जीजा जी को क्यों मारा और वो छुरी कहाँ रखी है, और उन्होंने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। तभी वहाँ पुलिस आ गई और मुझे पुलिस स्टेशन लेके चली गई। योर ऑनर, जिस जगह पर मर्डर हुआ वहाँ पर मर्डर वेपन नहीं मिला। मेंटल इवैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने बेनिफिट ऑफ डाउट एक्सप्रेस किया है। सीन ऑफ ऑफेंस में रवि उस जगह पर था यह साबित करने के लिए कोई भी गवाह नहीं है, तो फिर मर्डर का इल्जाम इस पे साबित ही नहीं होता। नो योर ऑनर, बीपीडी की वजह से रवि ने मर्डर किया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर ने उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था ना? योर ऑनर, बीपीडी को साबित करना बहुत मुश्किल है। इट रिक्वायर्स सम टाइम एंड ऑब्जर्वेशन। अगर आप मुझे अनुमति दें तो आपको मैं एक पक्का सबूत दिखा सकता हूँ। इसमें ऐसा क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। योर ऑनर, वीडियो में जो परछाई है वो रवि की है। डॉक्टर पवित्रा को इस हालत में देखने के बाद उसका जुनून और बढ़ गया और साथ ही साथ बीपीडी सिम्टम्स भी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वो परछाई रवि की नहीं, रजनीकांत का है। अब वो कहां से आ गया? फिर रवि कैसे आया? क्योंकि वो आश्रम में काम कर रहा था। क्या आश्रम में सिर्फ रवि ही काम करता है? और भी तो लोग हैं। मिस्टर पांडुरंगराव, मैं सीडी को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकता। इस केस की बहस को यहीं पर रोकते हुए इसका फैसला दोपहर तक के लिए मुलतवी किया जाता है। यह हत्या रवि ने की है, इस बात को प्रोसिक्यूशन सबूतों के साथ साबित नहीं कर पाई है, और इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अपराधी को निर्दोष साबित करती है और उसे बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है। साथ ही हिदायत देती है कि पुलिस असली कातिल का पता लगाए। सर सर, ये केस के बारे में आपको क्या? मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने एक मासूम को सजा से बचा। आप हमेशा अमीरों का केस क्यों लड़ते हैं सर? हाँ ये सच है, मगर अब मैं पैसों के लिए नहीं लड़ूंगा। ऐसा मैंने अब सोच लिया है, अमीरों के साथ गरीबों का भी केस लड़ूंगा। आपका ऐसा ये क्या करें? आपको मेरे पैर नहीं पड़ने चाहिए। हमारे MLA साहब के जीजा जी ने कहा था कि अगर आप हमारे लिए केस लड़ेंगे तो हमारे लिए भगवान का आशीर्वाद होगा।
हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर भगवान बसते हैं, राक्षस नहीं। हम अपने गांव वापस चले जाएंगे। सुनो, 5000 ये रखिए। नहीं साहब, आपका हमारे ऊपर बहुत एहसान है। ये रवि के लिए तोहफा है। धन्यवाद सर। मैंने कहा था ना, श्रीकृष्णा बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर है। अब फिर से मुसीबत की शुरुआत हो गई। कोई विश्वास करे या ना करे, पर रवि ही गुनहगार है और कभी ना कभी वो जरूर पकड़ा जाएगा। हमेशा के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेजना चाहती थी ना? आश्रम में स्वामी जी जब तुम्हारा रेप करना चाहते थे तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। एकादशी के दिन स्वामी जी तुम्हारे प्रसाद में नशीली दवाइयां मिला के तुम्हारा रेप करने की कोशिश में थे और वो सब कुछ देख करके मैं सह नहीं पाया, इसलिए मैं बिजली कट करके चोर चोर चिल्लाने लगा। स्वामी जी के कमरे में। चलो चलो। अरे बाप रे, ये लड़की यहाँ कैसे लेटी है? एकादशी के उपवास के कारण चक्कर खा के गिर गई है। स्वामी जी ने उसे थोड़ी देर लेटने के लिए कहा है। भक्त लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए स्वामी जी ने जो तुम्हारा वीडियो बनाया था उसको लेकर के मैं वहाँ से भाग आया। स्वामी जी ने तुम्हारा रेप करने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उन्हें पकड़वाना चाहता था और पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस कंट्रोल रूम, अगर आप स्वामी चेदानंद के आश्रम को सीज करते हैं तो उससे समाज को फायदा होगा। तुम कीर्ति को अपने से अलग नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारे जीजा जी को मार दिया। जब मैं तुम्हें मिलने के लिए तुम्हें उस भूत बंगलों पर बुलाया, पर तुमने मुझे वहाँ पुलिस के हाथों पकड़वा दिया, तब मैंने सोचा चाहे किसी भी तरह से मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा और तुम्हारे घर से तुम्हारी कार चुरा के किसी को मार दूंगा। कार चोरी होने की कंप्लेन मैंने तुम्हें लिखवाने नहीं दी। बाय पवित्रा। डैडी, डैडी। क्या हुआ बेटी? डैडी दरवाजा खोलो। लगता है डोर लॉक है, मैं खोल नहीं पा। ठीक है डैडी, मैं बाहर जा रही हूँ एसीपी सुरेंद्र को कॉल करने के लिए, तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके बेटा, संभाल के जाना। हेलो, सब पवित्रा बोल रही हूँ। पवित्रा, इस समय क्यों फोन कर रही हो? सर प्लीज जल्दी मेरे घर आ जाइए। एनीथिंग सीरियस? यस सर, रवि मेरे घर पर आया था, मेरी कार लेके मुझे डरा के भाग गया। डोंट वरी, मैं अभी पहुंचता हूँ। हाँ प्रभाकर बोलो। सर कंट्रोल रूम से एक अर्जेंट मैसेज आया है। क्या मैसेज है? कहाँ से आ रही हो पवित्र? आपका फोन करने के लिए गई थी। क्यों, घर का फोन क्या हुआ? सर
रवि ने लैंडलाइन डिस्कनेक्ट कर दिया और सेलफोन भी लेके चला गया, और जब डैडी को बुलाने गई तो उनका रूम अंदर से लॉक था। वो मेरी कार भी लेके भाग गया सर। Really? Yes, sir. और फिर उसने एक डीवीडी प्ले की और मुझे धमकी दे रहा था। कैसे? उसने कहा कि वो मेरी कार लेके जाके किसी का एक्सीडेंट करेगा और पुलिस मुझे पकड़ लेगी। लैंडलाइन कहाँ है? वहाँ है सर। डायल टोन तो आ रहा है। हाँ? तुमने तो कहा कि डेड है। थोड़ी देर पहले डेड था सर। ये किसका फोन है? मेरा है सर। तुमने तो कहा था मिल नहीं रहा। दरवाजा भी खुला हुआ है। जब मैंने खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से बंद था सर। वो डीवीडी प्लेट प्लेस। इस डीवीडी में रवि था। Will you please shut up your bloody dirty mouth? किसे विश्वास दिलाने के लिए तुम ये सब कर रही हो? मेरी बेटी सच कह रही है, रवि यहाँ आया था। आपने उसे देखा? मैं अपने कमरे में था, वो कमरा लॉक करके चला गया। माननीय रिटायर्ड जज महोदय, बेटी के साथ साथ आप भी झूठ बोल रहे हैं। So please understand us. रवि ने मेरी कार चुराई है। कुछ हो जाए उससे पहले हमें उसे रोकना होगा। क्यों रोकना है उसे? वो किसी का एक्सीडेंट कर देगा सर। वो नहीं करेगा, आई एम श्योर, क्योंकि तुम्हारी कार से टकरा कर रवि मर चुका है। क्या कहा? रवि मर गया? नाटक मत करो। तुम हमेशा रवि की बात करती रहती हो ना, उसी रवि को तुमने अपनी कार से मार डाला और मुझे फोन करके कह रही हो तुम्हें कुछ पता नहीं। पुलिस को तुमने पागल समझ लिया है जो यहाँ बुलाकर नई नई कहानियाँ सुना रही हो। मैं रवि को कैसे मार सकती हूँ सर? तुम्हारे घर आते वक्त मैं उस स्पॉट से होकर आ रहा हूँ जहाँ रवि की लाश पड़ी है। तुम्हारी वो कार, रवि की डेड बॉडी, तुम्हारा फोन कॉल, ये सब मैच कर रहे हैं। तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है, तुम मेरे साथ चलो। ऐसे हालात में आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना सर? मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ। लास्ट टाइम गांव में रामनवमी कितने धूमधाम से मनाई गई यार, बहुत मजा आया था। अरे फोन तो उठा। छोड़ ना, उठाऊंगा तो बोलेंगे लोन चाहिए, कार्ड चाहिए, फालतू में परेशान करते हैं। छोड़ मिर्जू, प्लीज फोन उठाओ। पिछली बार कितने लोग आए थे? हेलो मिर्जू, मैं पवित्रा। ए, पवित्रा है। बोलो पवित्रा। पवित्रा, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? रवि मर गया। कैसे? मेरी कार के नीचे आके। तुम कैसे ड्राइविंग कर रही थी? मैंने एक्सीडेंट नहीं किया। तुमने नहीं? फिर किसने? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? रवि मर्डर केस में साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर पवित्रा पुलिस के हाथों अरेस्ट होने से पहले ही फरार हो गई है। पुलिस इन्हें पूरे शहर में ढूंढ रही है। किसी और की वजह से मैं गुनहगार बन गई हूँ बिरजू। मेरा बेटा रवि बिल्कुल निर्दोष था और ये बात कोर्ट में भी साबित हो गई थी। उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मार डाला। ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब कर कौन रहा है। लगता है तुम्हारे जीजा जी का भूत बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। बिरजू, ये क्या बोल रहे हो तुम? भूत शैतान जैसी चीजें नहीं होती। रवि की माँ का ये कहना है कि पवित्रा के पापा रिटायर्ड जज होने की वजह से अपनी ताकत और पैसे का इस्तेमाल करके। बेगुनाह इंसान को ताकत और पैसे की जरूरत नहीं होती, ठंडे दिमाग से सोचना होगा। क्या करेंगे? संभल के, शायद कार में सुराग मिल सकता है। इसीलिए तो इतना रिस्क उठा रही हूँ। बिरजू, फिंगरप्रिंट्स होंगे, डोंट टच। Thank you.
सीजर पैलेस। भूत और चुड़ैल भी बार में जाके पीते हैं? नहीं पीते। जिससे मेरी कार चोरी करके रवि को मारा वो इसी बार में मिलेगा। हमें उसे पकड़ना होगा, हमें उसे पकड़ना होगा। प्राइवेट डिटेक्टिव एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। इस बिल डेट में जितने भी रिकॉर्डेड टेप्स हैं मुझे दिखा सकते हो? वीडियो टेप चाहिए आपको? दिखा देता हूँ, लेकिन मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या हुआ बिरजू? हम बहुत लकी हैं पवित्रा, इस पब में बहुत से कैमरेज लगे हैं, जितने लोग भी आते जाते हैं सबका पता चल जाएगा। मैंने इस बिल डेट के सारे वीडियो टेप्स उनसे मांगे हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा है 10,000 में सब मिल जाएगा। इस वीडियो टेप में वो आदमी हमें दिखेगा ना? यस, इसमें दिख जाएगा। अगर हम उसे ढूंढ ही नहीं पाए तो? नो चांस। अगर वो बार से बाहर नहीं भी आया होगा तो भी इसमें रिकॉर्ड हुआ होगा। सब मेरे बॉस ने किया? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। लॉयर श्री कृष्णा, पर उन्होंने मेरी कार से रवि को क्यों मारा? बिरजू आया है। हाँ मैंने देखा। तो उसे अंदर बुलाओ ना। क्या मैंने उसको बाहर जाने बोला? अंदर आने कहो। क्या बिरजू, ये तुम्हें अपने छोटे भाई जैसा प्यार करते हैं और तुम उस लड़की की वजह से इन पर शक कर रहे हो? मैंने आपको बोला था सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दिमागी डॉक्टर है, मैंने कहा था उससे दूर रहो। तुमने कहा वो मेरा प्यार है। कितनी मुश्किल से मैंने रवि को आजाद करवाया है, उसने उसको भी मार दिया। डैडी, क्या मैं बिरजू अंकल से बात कर सकती हूँ? Cheers. फिंगरप्रिंट्स मैच करने के लिए मैं अपने बॉस की डायरी ले आया। यह है फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट। आइडेंटिकल, इक्वल, नो डाउट। रवि को कृष्णा लॉयर नहीं मारा। डैम इट, इतनी चालाकी से उसने तुम्हें फंसाया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मारने के केस में गुनहगार को मौत की सजा दी जाती है। मैजिस्ट्रेट ए पांडुरंगा राव ने यह जजमेंट दिया है। डी श्री कृष्णा, सन ऑफ लेट वेंकटेश्वर राव। जज पांडुरंगा से बदला लेने के लिए रवि का इस्तेमाल किया। स्वामी जी को मार के उसका इल्जाम मैंने पवित्रा पे डाल दिया और मैं कामयाब हो गया। दूसरी बार मेरी जीत तब हुई जब मैंने रवि को निर्दोष साबित कर दिया, फिर पवित्रा की गाड़ी से रवि को मार के पवित्रा को मर्डरर साबित कर दिया। बिरजू, सेलफोन दो। हेलो। हेलो पापा, मुझे पता चल गया है कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। कौन है बेटी? लॉयर श्री कृष्णा,
लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो वेंकटेश्वर राव का बेटा है। कौन वेंकटेश्वर? जब आप महबूब नगर में मजिस्ट्रेट हुआ करते थे तब आपने एक आदमी को कलेक्टर को मारने के जुर्म में मौत की सजा सुनाई थी, वही वेंकटेश्वर थे। तुम निर्दोष तभी साबित होगी जब कृष्णा अपना जुर्म कबूल करेगा। तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से अपना जुर्म कबूल करेगा? करवाना पड़ेगा। कैसे? उसे ब्लैकमेल करना पड़ेगा। ब्लैकमेल? कृष्णा अपनी बेटी स्वीटी को बहुत प्यार करता है, वो उसके लिए कुछ भी करेगा। हम स्वीटी को किडनैप करेंगे। किडनैप? स्वीटी! क्या है बेटी अंकल? दुबई में तुम्हारे दादा एक्सपायर्ड हो गए, तुम्हारे पेरेंट्स वहीं गए हैं। 2 दिन तुम्हें आंटी के पास रहना है, ठीक है? ओके। आ जाओ। तुम स्वीटी को अपने साथ वीरू की कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाना और वहीं से कृष्णा को कॉल करना। तब तक मैं कृष्णा बॉस के पास पहुंचता हूं। बिरजू, मैं तुम्हें एक और केस दे रहा हूं, अच्छे से डील कर। ओके सर। कैसे हो मिस्टर श्री कृष्णा? आई एम फाइन। कौन बोल रहा है? पवित्रा। पवित्रा, मुझे कॉल क्यों किया? मैंने तुम्हारी बेटी को किडनैप किया है। स्वीटी के बारे में पता चलते ही वो टेंशन में आ जाएगा और मैं उसके साथ रहकर उसे और डराऊंगा। बोलो प्रभाकर। सर, हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल गई है, आप क्या चेक करने के लिए आएंगे सर? नो, मैं एक केस के सिलसिले में गढ़वाल जा रहा हूँ, आने के बाद देखता हूँ। वो कहना क्या चाहती है, पागल हो गई क्या? सर, आप टेंशन मत लीजिए, स्वीटी को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। स्वीटी को कुछ हुआ ना तो मैं उसको और उसके बाप को शूट कर दूंगा। वैसे उसने बताया उसे क्या चाहिए? स्वामी जी का मर्डर मैंने ही किया है, ऐसा मैं पुलिस को बोलूं? डीसीपी को कॉल करके मत बता। सर, पुलिस को फोन मत कीजिए, स्वीटी की जान को खतरा होगा। मैं कृष्णा की वाइफ को कॉल करके बता दूंगा इस स्वीटी को किडनैप कर लिया गया है। हाँ इंदिरा। सुनिए जी, स्वीटी अभी तक घर नहीं आई स्कूल से, कोई उसे कार में बिठा के ले गया है। इंदिरा, तुम चिंता मत करो, स्वीटी मेरे साथ ही है, वो यहाँ खेल रही है। ए स्वीटी, पानी में मत जाओ, पीछे आ जाओ बेटी। इंदिरा, तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। सर, आपने भाभी जी से झूठ क्यों बोला? अगर मैं सच बोलता तो इंदिरा को सदमा पहुंचता। हेलो। टाइम वेस्ट करके अगर तुमने मुझे पुलिस के हाथों पकड़वाने की कोशिश की तो मैं स्वीटी को मार दूंगी। हेलो हेलो, डैम इट। सर, उसने क्या कहा? मुझे धमकी दे रही है कि वो सारे गुनाह अगर मैंने अपने सर पे नहीं लिए तो स्वीटी को मार देगी। तुम्हारी धमकी देने के बाद कृष्णा के होश उड़ गए, वो तुम्हारे कॉल का इंतजार कर रहा है। तुम आधे घंटे के बाद उसे वापस कॉल कर। इंस्पेक्टर अंदर है क्या? हाँ, अंदर ही है। पवित्रा, अब तक तुमने बहुत सारी गलतियां की हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ज्यादा बातें मत करो, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत चली गई, मैं और यहाँ नहीं रह सकती, कहीं दूर चली जाऊंगी और उसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। 1 करोड़? सुनो भाई, शहर से बहुत बड़े पुलिस अफसर आए हैं, उन्हें तुमसे कुछ काम है। मुझसे क्या काम है? वेंकटेश्वर के बेटे श्री कृष्णा के बारे में जानने के लिए। कृष्णा? 1 करोड़? वो पागल हो गई है, वो चाहती है सारे गुनाह अपने सर पे ले लूं मैं, और दूसरी तरफ पैसे भी मांग रही है। आपने कुछ गलत ही नहीं किया तो आप पैसे क्यों देंगे? मेरी स्वीटी के लिए। पैसे लेकर भी स्वीटी को नहीं छोड़ा तो? तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। सर, आप इतना रिस्क क्यों ले रहे हैं? मैं उसके पिता को ले आता हूँ, पिता के कहने पर वो स्वीटी को छोड़ देंगे। सर, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो लॉयर है या नहीं ये तो नहीं पता, मगर पिछले रामनवमी में हम लोगों ने साथ में ये फोटो खींची थी, ये देखिए। ये बिरजू है ना? हाँ सर, लेकिन ये वेंकटेश का बेटा श्री कृष्णा नहीं है, ये कार्तिक है, ये तब से हमारा दोस्त था सर, हम बचपन में साथ साथ बहुत खेलते थे और तब से हम इसे बिरजू बुलाते हैं। ओ,
मतलब वेंकटेश्वर जी का बेटा श्री कृष्ण नहीं बिरजू। प्रभाकर, सुबह पवित्रा का फोन टैप किया था ना, वो नंबर बताओ। हेलो पवित्रा, एसीपी सुरेंद्र बोल रहा हूँ। वेंकटेश्वर जी का बेटा लॉयर श्री कृष्ण नहीं है, बिरजू है। सर, मेरे पापा ने उन्हें नहीं मारा। बिरजू का भरोसा मत करना, श्री कृष्ण फैमिली के बारे में मुझे पता चला है। जज साहब के साथ तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं गढ़वाल आया हूँ। इसी बात के लिए मैंने जज साहब को फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। बिरजू पर भरोसा करके मैंने स्वीति को किडनैप कर लिया। तुम्हारी मदद के लिए मैं अपनी टीम को वहां भेज रहा हूं, तुम वहीं रुको। ओके सर। ठीक है, मैं अपने पिताजी को मारने वाले का मर्डर कर दूंगा, वो चलेगा ना? पवित्रा, ये निशान कैसा है? अपने पापा से बात करो। हेलो डैडी, आप दुबई से कब आ रहे हो? बेटा, आप कौन बोल रहे हो? आंटी, रॉन्ग नंबर है, वो मेरे डैडी नहीं है। तुम्हारे पापा नहीं है? मेरे डैडी होते तो मुझे स्वीटी बुलाते। अपने पापा का नंबर बताओ। हेलो। हेलो डैडी, मैं आंटी के साथ हूँ, मैं ठीक हूँ डैडी। ना कभी मैंने आज तक आपको देखा है और ना ही कभी आपसे बात की है। श्री कृष्णा, मैं पवित्रा बोल रही हूँ, मैंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया है। किडनैप? श्री कृष्णा, आपको अपने जुर्म कबूल करने होंगे। मैं कबूल कर लूँ, लेकिन क्यों? अब तुम्हारी कोई इज्जत नहीं बची है, इसलिए मुझे 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़? हाँ, ये पूरा खेल बिरजू ने खेला है, उस पर विश्वास मत करना। बिरजू? सर, पवित्रा के खिलाफ 3 मर्डर केस है ना, तो आप एक जज होने के नाते उसे क्या सजा देंगे? पवित्रा ने मर्डर नहीं किया है बिरजू, वो श्री कृष्णा ने मेरी बेटी को फंसाया है। मेरे पिता ने भी उस कलेक्टर का मर्डर नहीं किया था, उन्हें तो उस जुर्म में फंसाया गया था। तुम्हारे पापा? कौन है तुम्हारे पापा? वेंकटेश्वर। कुछ याद आया? आज से 20 साल पहले मैं और मेरी माँ आपके घर आए थे। वॉचमैन, इन लोगों को बाहर ले जाओ। स्वामी जी और रवि जी की वजह से कितना अच्छा हो गया, मैं आपसे कभी जिंदगी में दोबारा मिलूंगा ऐसा सोचा भी नहीं। जब स्वामी जी ने मुझे बुलाया था तब मैं उनके आश्रम पर गया। आश्रम में काम करने वाला रवि नाम का एक लड़का मेरा कैमरा लेकर भाग गया है, उसे तुम्हें पकड़ना है। तब स्वामी जी ने रवि को पकड़ने के लिए मुझे पैसे दिए। मैं रवि को पकड़ने के लिए उसके कमरे में गया, मैंने उसके दोस्त को धमकाया और उसे कहा कि रवि के बारे में मुझे इत्तला करे। जब मैं रवि को ढूंढ रहा था तो पवित्रा की वजह से पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। मैं पवित्रा के घर गया ये पूछने कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जब उसके घर गया तो तब जाके मुझे पता चला कि वो आपका घर है और पवित्रा आपकी बेटी है। इसलिए पवित्रा को मैंने थोड़ा बहुत धमकाया और उसे ऐसा लगा कि मैंने उसे छोड़ दिया। पवित्रा की बात सुनने के बाद मुझे समझ में आ गया कि स्वामी जी का वो रवि सिर्फ बदला लेना चाहता था। मैंने पवित्रा से फ्रेंडशिप की और सही वक्त का इंतजार करने लगा। एक दिन अचानक जब मैं मेंटल हॉस्पिटल गया तो वहां मुझे रवि दिखा। तेरी वजह से पुलिस ने मुझे इतना मारा। मैंने उसे सच बताने से मना किया, ये लॉयर स्वामी का आदमी, उसे कुछ मत बताना। जब कृष्णा ने मुझे कमरे से बाहर जाने को कहा तब मैं सीढ़ी से नीचे आकर रवि के कमरे के पीछे आ गया और रात को उससे मिलने का प्लान बनाया। मैंने कृष्णा को कहा कि अगर वो रवि का केस लेंगे तो मैं उनके साथ काम नहीं करूंगा, और फिर मैं पवित्रा से जाकर मिला और फिर उस रात मैं रवि के कमरे में गया। क्या तूने मुझे फंसाया था? हाँ, मैं जानता हूँ तुम स्वामी जी के आदमी हो, तुमने मेरे दोस्त को धमकी दी। और तब मुझे उसकी चालाकी समझ में आई, मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे स्वामी जी से बचाऊंगा, और मेरी बात पर यकीन करके उसने मुझे कुछ बात बताई।
स्वामी जी के बेड के नीचे एक सीक्रेट लॉकर है, उसमें कम से कम 1 करोड़ रुपए है। कैमरा कहाँ है? मेरे रूम में है। फिर मैं रवि के कमरे में गया और उस कैमरे का पता लगाया। फिर मैंने वीडियो कैमरे में कैद वीडियो को देखा। उसको देखने के बाद मैं समझ गया, अगर स्वामी जी मारे गए तो पवित्रा अरेस्ट हो जाएगी। पवित्रा, मैंने उस वीडियो को सीडी में कन्वर्ट करके आपके घर में रख दिया। इतना याद रखना। और दूसरे दिन दवाई लेने के लिए मैं हॉस्पिटल चला गया। मैडम, सुपरिटेंडेंट ने आपको बुलाया है। फिर मैं रात को आश्रम में गया और वहां स्वामी जी का हॉर्डोल इंजेक्शन लगा दिया। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद ही पुनर्जन्म होता है। लेकिन मैं क्यों मरूं? मेरा बदला लेने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है। स्वामी जी को मारने के बाद रवि के बताए हुए लॉकर को मैंने चेक किया पर वहां कुछ नहीं था। अगर तुम्हें स्वामी के मर्डर केस के सबूत चाहिए तो जज पांडू रंगा राव के घर पर आ जाओ, वहां एक एक्स मार्क की सीडी मिलेगी। मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पुलिस तुम्हारे घर को सर्च करने आई और उन्हें वो एक्स मार्क की सीडी मिल गई। पवित्रा को लगता था सीडी रवि ने रखी। मुझे पूरा यकीन है कि वो सीडी रवि ने रखी। मैंने कहा था ना, श्री कृष्णा बहुत ही इंटेलिजेंट लॉयर है। अब फिर से मुसीबत की शुरुआत हो गई। श्री कृष्णा के कोर्ट में केस जीतने के बाद पवित्रा को रवि पर शक होने लगा। रवि के गांव जाने से पहले मैंने उसे एक जगह बुलाया। ये एक सुनसान जगह थी। तू अपनी माँ को क्यों लेकर आया? वो मेरी माँ मुझे कहीं अकेले जाने नहीं देती। मैंने तुझ पे भरोसा करके स्वामी जी को मार दिया। मैंने क्या किया? तो तूने कहा था लॉकर में 1 करोड़ होगा, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। अगर स्वामी जी के पास नहीं है तो शायद उनके लॉयर श्री कृष्णा जी के पास होगा और वो मुझे ऐसी दे देगा, है ना? अब क्या करना होगा? तुझे मेरे लिए एक काम करना होगा, फिर मुझे 1 करोड़ मिल जाएंगे और तुझे पवित्रा मिल जाएगी। ए, जानता है ना तुझे क्या बोलना है? बस वही बोलना। रवि को मारकर और पवित्रा को फंसा कर मैंने श्री कृष्णा से 1 करोड़ लेने का प्लान बनाया। बहुत बढ़िया रवि, मेरा काम हो जाएगा। सर, आपका बिल। श्री कृष्णा सीजर पैलेस में एक पार्टी मनाने आया था। उस होटल से बाहर जाते वक्त सीसीटीवी कैमरा में उसका फुटेज आया। मैंने उसका बिल ले लिया और पीछे वाले दरवाजे से बाहर चला गया। ए, तू और मैं पवित्रा के घर जाएंगे। मैं उसकी कार निकालकर उसे डराऊंगा। तब तक तू ऊपर जाकर ये सीडी उस सीडी प्लेयर में चला देना और फिर यहीं आकर मेरा वेट करना। जा। जब मैं पवित्रा की कार लेकर उसे डरा रहा था तब रवि ऊपर उसके कमरे में चला गया और उसने वही किया जो उसे कहा गया था। चाहे किसी भी तरह से मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा और तुम्हारे घर से तुम्हारी कार चुरा के किसी को मार दूंगा। पापा, पापा! जब रवि केके टावर पर मेरा वेट कर रहा था तब मैंने पवित्रा की कार से उसे कुचल दिया। आपने ये क्या किया भैया? जज से मेरा बदला लेने के लिए तेरा मरना जरूरी था। हेलो कंट्रोल रूम,
पुलिस से बचने के बाद पवित्रा ने मुझे कॉल किया, फिर हम दोनों डंप यार्ड में गए सुराग ढूंढने के लिए, और पवित्रा की कार में मैंने सीजर पैलेस का बिल डाल दिया। इस पब में बहुत से कैमरेज लगे, जितने लोग भी आते जाते हैं सबका पता चल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज में श्री कृष्णा को देखकर उसे लगा उन्होंने सब कुछ किया है। बिरजू, मुझे लॉयर श्री कृष्णा के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। मैंने श्री कृष्णा के घर से उसकी डायरी चुरा ली और एक वैसी ही डायरी दिखने वाली डायरी में वो सब कुछ लिख दिया जिसे पढ़कर पवित्रा को श्री कृष्णा गुनहगार लगे, और उसके अंदर एक पेपर कटिंग भी रख दी। मैंने एक डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट रिपोर्ट भी बनवाई और जान पूछ कर उसके सामने डायरी फेंकी, जिससे वो पेपर कटिंग जिसमें मौत की सजा सुनाई थी वो बाहर आ गई। उसे पढ़ने के बाद पवित्रा को लगा श्री कृष्णा वेंकटेश्वर का बेटा है, हम स्वीटी को किडनैप करेंगे। पवित्रा को लगे कि वो श्री कृष्णा से बात कर रही है और श्री कृष्णा को लगे कि वो पवित्रा से बात कर रही है, इसके लिए मैंने बीच में दो लोगों का इंतजाम किया था। मैं श्री कृष्णा से 1 करोड़ लेकर स्वीटी को वापस कर दूंगा और उसके बाद आप और आपकी बेटी। बिजू, कहाँ हो तुम? पवित्रा, मैं श्री कृष्णा को लास्ट बिल्डिंग पर ले आया हूँ, तुम वहीं पर आ जाओ। आपको तो पता भी नहीं होगा कि कॉलेज के दिनों में मैंने कितनी मेहनत की थी। सोचा था खूब पढ़ लिख कर मैं अमेरिका चला जाऊंगा, पर यह हो नहीं पाया। सबकी नजरों में मैं एक कातिल का बेटा था। बिरजू, पवित्रा ऊपर आ जाओ। आपकी रिवॉल्वर से मैं आपकी बेटी को आपको शूट करने को कहूंगा। ये मास्क पहनाकर तुम्हें श्री कृष्ण बना दूंगा। श्री कृष्णा कहाँ? वो देखो वहां पर। उसने अपनी गलती मान ली? नहीं, अभी नहीं मानी, इसीलिए मैंने उसे ऐसे बांध कर रखा। तो अब हमें क्या करना है? इसे मारना है। तुम सोच क्या रही हो पवित्रा? तुम्हारे खिलाफ 3 मर्डर केस वैसे ही हैं। इसको मारने के बाद 4 हो जाएंगे। इसने तुम्हारे साथ क्या किया जानती हो ना? ये लो रिवॉल्वर, पकड़ो, शूट हिम। बिरजू, वो लॉयर श्री कृष्णा नहीं, मेरे पापा हैं। गुस्से में आके अगर मैं उन्हें श्री कृष्णा मान भी लेती और उन्हें मार भी डालती, तब भी तुम मुझसे बदला लेने के लिए मुझे मार डालते। फोन उठाओ, उठाओ फोन, फोन उठा के। सर, पैसा यहां लेके आइए, स्वीटी की जान को खतरा है, उसको बचा लीजिए। ऐसा बोल के मुझे फंसाया, यू चीटर। तुमको मैंने अपने भाई जैसा समझा था, लेकिन तुमने, छी, रखो पैसा। बचपन में भी ने मुझे यहाँ छोड़ दी थी, अब प्यार किया तो यहाँ छोड़ दी, और ये दर्द मुझसे सहन नहीं होगा। बिरजू, मैंने तुम्हें पसंद किया था, तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम्हारे बारे में पता नहीं होता तो शायद मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों मर भी जाती, जो कहते वो करती तुम पे यकीन करके। जब मैंने तुमसे पूछा था कि तुम उससे प्यार करते हो, सच्चा प्यार, और अगर तुम सही में उससे सच्चा प्यार करते तो ये बदला लेने का जुनून तुम्हारा मिट गया होता। तुम कभी बदला नहीं लेते, सिर्फ प्यार करते, पर तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया। तुम सही वक्त का इंतजार कर रहे थे उसको मारने के लिए। बदले के लिए मेरे बेटे को मार दिया। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तो बनना चाहता हूँ। कलेक्टर? और तुम?
पहचान लिया? आसानी से नहीं भूलूंगी। मुझे नहीं मारोगे, तुम अच्छे लड़के हो। ये निशान कैसे हुआ? जब मैं छोटी थी एक लड़के ने मुझ पर पत्थर फेंका था, उसी का निशान है। अभी उसे मिलोगी तो पहचान लोगी। I love you.